So guys, actually I have given a name to this webinar, Day Trading for Some Extra Fun. So guys, Day Trading for Some Extra Fun, इसके पीछे का logic ये है, simple सा आप समझेगा कि we are actually talking about intraday program, right? Intraday trading. So intraday trading में when people talk about कि intraday is for living, intraday is for like making regular money, consistent money. But when I look at the results, when I look at the number of people who are earning money, then I seriously it is very disappointing. And you know this and you have read this many many places कि intraday में 99% traders पैसा lose करते हैं, only 1% पैसा लोग बनाते हैं, only 1% people makes money, 99% people lose money, right? So इसीलिए मेरा जो हार्ट को बिलीव है वो इस बात का बिलीव है जो मैंने आपको लास्ट डेमो सेशन में ही बोला था, एंड इस सेशन में भी मैं आपको बोल रहा हूँ, हार्ड कोर बिलीव ये है कि वी आर हेयर टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी. We are not here to buy Ferraris or yachts. We are here to make some extra money through this webinar, through the practice of this webinar, जो भी यहाँ पे teachings बताई जाएगी उसकी practice करने के बाद. इसीलिए guys, इस webinar का नाम मैंने रखा है Day Trading for Some Extra Fun in your life, in your day-to-day activities or in your, you know, monthly activities, जो भी आपको monthly income वहाँ पे, जो भी expectation है वो उसके पे, ये पूरे webinar के ऊपर मैंने base रखा है, right? मतलब एक सिंपल सी बात है कि इंट्राडे एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे इफ़ यू डू नॉट हैव प्लान्स, इफ़ यू डू नॉट हैव स्ट्रेटजीज, इफ़ यू डू नॉट हैव सेटअप, देन ऑफकोर्स यू आर दी वन हु आर रेडी टू गिव अवे ऑल योर कैपिटल. जितनी भी आपके पास कैपिटल है आप सारा वहाँ पे स्टॉक मार्केट में देने जा रहे हैं, और यही स्टॉक मार्केट आपसे चाहता भी है, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज़ जस्ट लाइक अ स्लॉटर हाउस जहाँ पे हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स या एक नोवाइज रिटेल ट्रेडर जिनको अभी भी स्टॉक मार्केट में आए हैं, किसी के कुछ प्रॉफिट्स देख लिए, किसी की कुछ बात सुन ली और उनको लगा कि ठीक है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है डेट टू इंट्राडे ट्रेडिंग करके, तो गाइस ये एक स्टॉक मार्केट में प्री रिक्वायरमेंट रहती है कि नॉर्मल जो जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको वेलकम किया जाता है कि वेलकम, यू आर रेडी टू गिव अवे ऑल योर कैपिटल. सो विदाउट प्लान, विदाउट स्ट्रेटजीज, विदाउट आपके यू नो विदाउट विदाउट ऑल दी सेटअप्स, ट्रेडिंग सेटअप्स, यू आर नॉट वेलकम इन द स्टॉक मार्केट फ्रॉम आर साइड. दैट मीन्स कि यहाँ से अब से इस वक्त से हम इस वेबिनार के थ्रू कुछ ऐसा प्लान करेंगे, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसा सेटअप डेवलप करेंगे, पूरा का पूरा एक आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा जहाँ पे डेफिनेटली आपका एटलीस्ट जो कैपिटल है उसमें आपका कोई भी डिस्ट्रक्शन ना हो, कोई भी डिस्ट्रप्शन ना हो, प्लस आपकी जो एक्स्ट्रा फंड की मैंने बात करी है, वो एक्स्ट्रा फंड दोस्तों वर्ड याद रखिएगा, वो एक्स्ट्रा फंड डेफिनेटली आपके लिए बहुत मैटर करेगा जब हम ये जिससे जैसे सेमिनार में आगे बढ़ते रहेंगे, इस वेबिनार में आगे बढ़ते जाएंगे, और डेफिनेटली आपको वो काम आएगा, राइट? सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोड फॉर यू टू स्टार्ट दिस वेबिनार. और यहाँ से आपके लिए अब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेंटोर गाइज, डू नॉट वरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट you have to learn from one of the greatest mentor, and that is your mistakes. याद रखिएगा, मैं आपकी यहाँ पे सिर्फ मेंटरिंग एक आउटर लेवल पे कर सकता हूँ, जो आपके एक माइंड पे, एक सबकॉन्शियस माइंड पे एक आउटर लेवल होती है गाइस, उस पे मैं आपकी एक मेंटोरिंग कर सकता हूँ. लेकिन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट मेंटोर होता है आपकी मिस्टेक्स. जो आपने पास्ट में मिस्टेक्स करी हैं उनसे सीखिएगा, लेकिन उससे भी ज़रूरी एक बात है कि यू नीड टू कट डाउन योर ईगोज. ईगोज मैं क्यों ये वर्ड यहाँ पे बोल रहा हूँ वेबिनार शुरू करने से पहले, कि आप लोग में से कई लोग दोस्तों बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होंगे, बहुत आपको नॉलेज होगी स्टॉक मार्केट की, हो सकता है कई लोगों को मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो इस मार्केट में, लेकिन अगर आपके अंदर अभी भी ईगो है, या आप अभी भी स्टॉक मार्केट में ये सोचते हैं यार मेरे को किसी से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्ट्रेटजीज मेरे को आती है, वो स्ट्रेटजीज मेरे को आती है, या अभी तक आपने पुरानी मिस्टेक से नहीं सीखा जहाँ पे आपने देखा कि फन तो बहुत था लेकिन प्रॉफिट्स नहीं बन रहे थे, देन बॉस देर आर टू थिंग्स विच आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, दैट यू आर हेयर टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी फॉर सम एक्स्ट्रा फन. फर्स्ट,
सेकंड, आपके लिए आपकी ईगो पे जब तक आप कट डाउन नहीं करेंगे तब तक आपको मेरी बात समझ भी नहीं आएगी मैं आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लीज़ कट डाउन योर ईगोज़। ध्यान रखिएगा आपके जितने भी स्टॉक मार्केट से ईगो है या आपके अपने खुद के एक्सपीरियंस से ईगो है या आपका खुद का एक सिनेरियो बना हुआ है जहाँ के आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, देन दिस वेबिनार इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट ऑन योर माइंड इफ़ यू विल कट डाउन ऑन योर ईगो, राइट? सो ग्रेटेस्ट मेंटोर मिस्टेक एंड देन ईगो, राइट? ये दो वर्ड याद रखेगा। आई होप मैनी ऑफ यू नो अबाउट माई यू नो अबाउट मी, बट लेट मी टेल यू समथिंग अगेन जिनको नहीं मालूम है मेरे बारे में। गाइज, माई नेम इज़ राहुल सरावगी एंड आई एम हेयर इन स्टॉक मार्केट फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स। येस, फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स एज अ मेंटोर, एज अ ट्रेडर एंड एज अ इन्वेस्टर। मैं मेंटोरिंग भी कर रहा हूँ, ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ। दैट मीन्स आई एम फुल टाइम इन टू स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट में मेरे लिए, मतलब अगर कोई भी मेरे से पूछे कि वाई नॉट एनी अदर बिजनेस, देन बिलीव मी गाइज, स्टॉक मार्केट इज सच अ सीरियस प्लेस इफ यू आर अ सीरियस ट्रेडर एंड इन्वेस्टर दैट यू डू नॉट नीड एनी बिजनेस, एनी जॉब और एनी थिंग एल्स इन योर लाइफ। लेकिन प्रोवाइडेड आप उतने सीरियस होने चाहिए और स्टॉक मार्केट के नेचर के हिसाब से आपका नेचर होना चाहिए, एंड दैट इज वॉट आई डिड इन माई लाइफ। मैंने अपना नेचर स्टॉक मार्केट के नेचर, स्टॉक मार्केट को समझते हुए, स्टॉक मार्केट को हमेशा हर चीज़ से ऊपर रखते हुए, जब स्टॉक मार्केट के नेचर के साथ अपने आप को क्लब करा, दैट इज़ वाई आई एम हेयर इन द स्टॉक मार्केट फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स, सस्टेनिंग अर्निंग मनी कंसिस्टेंटली एंड ऑफ कोर्स मेंटोरिंग लॉट मेनी पीपल फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स, राइट? सो गाइज, नाउ अबाउट माई क्वालिफिकेशन, इफ यू कैन सी ऑन दी स्क्रीन, दे आर टू थिंग्स, MBA एंड MBA, राइट? MBA एंड MBA का मतलब क्या होता है? दैट डजन मीन कि मैंने दो बार MBA करा है। MBA एंड MBA मीन्स, फर्स्ट MBA जो मैंने, यू नो, जो हर कोई MBA करता है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो अपनी फैमिली को या यू नो एक आउटर वर्ल्ड को दिखाने के लिए करता है, वो MBA मैंने करा हुआ है। लेकिन वो MBA के लिए मेरी नज़र में, मेरे पर्सपेक्टिव में कोई भी वैल्यू नहीं है। माई MBA इज़ इनटू मास्टर्स इन बिहेवियरल एनालिसिस, मास्टर्स इन बिहेवियरल एनालिसिस जो कि मैं लास्ट 16 ईयर से करता आ रहा हूँ। पहले प्रैक्टिकली खुद मैंने अपने ऊपर करा, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, एंड लास्ट सो मैनी ईयर्स और मंथ से मैं जो लक्ष्य बैच मेंबर्स को रीड करा रहा हूँ, लर्न करा रहा हूँ, उनके ऊपर जब मैंने ये चीज़ उनको सिखाने की कोशिश करी है, सिखाई, तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। इसीलिए आई ऑलवेज कॉल माई सेल्फ एज ए MBA, बट मास्टर्स इन बिहेवियरल एनालिसिस, नॉट इन मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो MBA एंड MBA ये मेरी क्वालिफिकेशन है। एंड येस, इफ यू वॉन्ट टू नो मोर, देन यू कैन गो एंड चेक आर टेस्टिमनीज ऑन आर YouTube एंड ऑन Google। आप वहाँ से टेस्टिमनीज चेक कर सकते हैं। मेरे खुद के वर्ड्स नहीं हैं ये, मेरे लर्नर, ये जितने भी मेरे लर्निंग मेंबर्स हैं उनके वर्ड्स हैं, उनके अपने लैंग्वेज में वर्ड्स हैं, उनके खुद के अपने वर्ड्स हैं। तो आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं कि हाउ गुड आई एम एज अ मेंटोर, एंड देन यू स्टार्ट बिलीविंग मी। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस यू नो वेरी गुड वेबिनार एंड वेरी प्रॉमिसिंग वेबिनार वेयर वी आर गोइंग टू प्रोमिस यू सर्टेन थिंग्स, यू नो, फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, जहाँ पे आई एक्चुअली प्रोमिस यू दैट आफ्टर दिस वेबिनार, आफ्टर दिस टू सेशंस वेबिनार, यू आर गोइंग टू बी बेटर। आई एम नॉट सेइंग बेस्ट, यू आर गोइंग टू बी बेटर इन ट्रेड मैनेजमेंट, बेटर इन मनी मैनेजमेंट, बेटर इन टाइम मैनेजमेंट, बेटर इन रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड्स, बेटर इन, बेटर एज अ कंपोज ट्रेडर एंड बेटर इन द सेटिस्फैक्शन टर्म। याद रखिएगा व्हाई आई एम यूजिंग दिस बेटर वर्ड गाइज, लाइफ में कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं होती है। बेस्ट का मतलब होता है कि इसके आगे का कोई भी लॉजिक या कोई भी इसका सुपरलेटिव नहीं है। इसीलिए बेटर मैं क्यों बोलता हूँ कि वी ऑल आर हेयर, इंक्लूडिंग me or including a person who is 30 years old in the stock market, हम सब यहाँ पे लर्नर हैं, और विद एवरी डे हम कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट से लर्न कर रहे हैं। इसीलिए मार्केट को मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके लिए हर एक दिन बेटर होना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन डूइंग बेस्ट। बेस्ट का स्टॉक मार्केट में कोई डेफिनेशन नहीं होता गाइस, ये वर्ड मार्केट में निकाल दीजिए कि कभी आप बेस्ट ट्रेडर या बेस्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। आई कैन गिव यू एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जहाँ पे बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स सब ने बहुत मिस्टेक्स करी हैं, एंड आफ्टर यू नो 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, चाहे वो वॉरेन बफे की बात ले लीजिए या जैसे लिवरमोर की बात ले लीजिए या राकेश जुनून वाले की बात ले लीजिए फॉर दैट से। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मिस्टेक सबसे होती है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हर एक सेशन के बाद हम बेटर बने, हर एक ट्रेडिंग प्रैक्टिकल डे के बाद हम एज अ बेटर ट्रेडर बने विद बेटर
बेटर एक्सपीरियंस, राइट? तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इस वेबिनार के बाद आप बहुत बेटर एज अ ट्रेडर ट्रेडर एक इमर्ज होंगे, और आपकी हर जो स्टाइल, चाहे वो ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल को लेके हो या किसी और चीज़ को लेके हो, आपको डेफिनेटली वहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। अब अगर आपके माइंड में ये है दोस्तों कि इस वेबिनार के बाद आप हर एक ट्रेड जो भी लेने वाले हैं वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है, या आपके लिए यहाँ से सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, तो दोस्तों लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, किस ये मेरे वेबिनार की बात नहीं है, ये फाइव सर्कल्स प्राइवेट लिमिटेड के वेबिनार की बात नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट कि आप वर्ल्ड में कोई भी वेबिनार, कोई भी ट्रेनिंग कोर्स कर लीजिए, कहीं पे भी आप किसी के साथ भी बैठ जाइए, आपके लिए 100% रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, एंड दिस आई कैन से विथ माई 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ पे मैंने कभी 100% रिजल्ट अचीव नहीं कराया और ना ही किसी को करते हुए देखा है। इसीलिए अगर आपके माइंड में ये डाउट, आपके मन में ये पॉइंट है कि इस वेबिनार के बाद यू आर गोइंग टू अचीव 100% रिजल्ट, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट गाइज, देयर इज़ वन पॉसिबिलिटी दैट इन आफ्टर दिस वेबिनार वी आर गोइंग टू हिट सम चांसेस, वी आर गोइंग टू मिस सम चांसेस, बट ओवरऑल our result should be consistent, and that too on the positive side, this is our motto. मैं आपको ये motto बार बार क्यों clear करता रहूँगा इस पूरे seminar में, क्योंकि आपकी psychology is everything. अगर आपने psychology को सही से समझ लिया और आपने stage पर work कर लिया कि ठीक है, accept कर लिया कि हमारे पास इस वक्त जितनी भी हमने experience है, जितना भी हम इस webinar में learn करने वाले हैं, उसमें उसके हिसाब से whenever we will trade, some we will lose, some we will hit the targets, but ultimately our aim is to earn consistent return, and that is what we are going to do. Now we are going to start with this simple funda, jahan pe main aapko batane wala hu ki दोस्तों यहाँ के लिए जितने लोग भी नए हैं इस वेबिनार में, उनके लिए एक छोटा सा स्लाइड मैंने रखा है, लेकिन ये बुकिश लैंग्वेज में नहीं है, प्लीज़ डू नॉट माइंड इट, ये बुकिश लैंग्वेज में मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है कि मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि वॉट इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग, वॉट एग्जैक्टली इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप किसी बुक में पढ़ेंगे, कहीं पे भी आप किसी आर्टिकल्स को पढ़ेंगे या किसी सोशल मीडिया पे पढ़ेंगे, तो आपको हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह में एक ही चीज़ बताई जाती है, इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ अ वन जहाँ पे आप एक ही दिन में, in a one day you buy something and then on the same day you sell that to earn, to in order to make some return in expectation of returns, jahan pe aap wo returns earn kar sakte hain same day buy karke aur same day sell karke. This is the definition from the books and from the social media, but guys, from this seminar, from this webinar, actually from this session, I'm going to give you one simple definition. See, ek chhota sa definition jo maine yahan pe intraday trading mein diya hai, little extra money hope for the retail trade. रिटेल ट्रेडर्स के लिए क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, जस्ट लिटिल एक्स्ट्रा मनी की एक होप, राइट? कि थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा, जितने भी अभी आपकी इनकम है, चाहे वो आपके बिजनेस से है या आपके जॉब से है, उससे अलग हटके एक थोड़ी सी इनकम और जनरेट होने लग जाए, यही तो एक रिटेल ट्रेडर को दोस्तों चाहिए, और यही मैंने इस डेफिनेशन का एक पूरा छोटा सा शॉर्ट फॉर्म दिया, और यही डेफिनेशन हमारे रिटेल ट्रेडर्स के लिए होती है। सेकेंड, लेकिन इसके साथ साथ ह्यूज प्रॉफिट्स फॉर दी क्रोकोडाइल्स। नाउ व्हाट हु आर दी क्रोकोडाइल्स हियर, मैं किसको यहाँ पे क्रोकोडाइल्स बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, याद रखिएगा दोस्तों, क्रोकोडाइल्स मतलब आर दी वन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो हैं आपके ब्रोकर्स, वो हैं आपके बिग इन्वेस्टर्स, वो हैं आपके एल्गो ट्रेडर्स, वो हैं आपके FIs, जिनको मालूम है कि आपके इमोशंस के साथ कैसे प्ले करना है इन इंट्राडे, जहाँ पे वो 199% लोगों का पैसा कोई एक रिटेल ट्रेडर जो HNI है, या जिनका बहुत ज़्यादा मार्केट में एक्सपीरियंस है, जो एल्गोस पे और कंप्यूटर्स पे वर्क कर रहे हैं, वो आपका 99% लोगों का पैसा लेके एक ही बार में जाते हैं, एंड दैट इज़ व्हाई आई सेड ह्यूज प्रॉफिट्स, इंट्राडे इज नथिंग, ह्यूज प्रॉफिट्स फॉर द क्रोकोडाइल एंड अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी फॉर द रिटेल ट्रेडर्स। बहुत बड़ा गैप है इसके बीच में, आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज़ सो पॉपुलर, गाइज, ये इतना पॉपुलर क्यों है रिटेल, स्पेशली अमंग्स द रिटेल इन्वेस्टर। तो याद रखिएगा, इसका अगर आप देखेंगे कुछ बुकिश मिले, बुकिश लैंग्वेज में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि मतलब इसकी पॉपुलरिटी इसलिए है
क्योंकि यू नो यहाँ पे लीवरेज आपको दी जाती है, यहाँ पे आपको लीवरेज ऑफर करी जाती है कि इफ़ यू हैव 1 रुपीज़ देन यू कैन गो एंड ट्रेड 5 रुपीज़ वर्थ रुपीज़ स्टॉक. और उसके अलावा इसलिए है क्योंकि आपका ओवरनाइट रिस्क खत्म हो जाता है, इसलिए है कि यू नो आपके लिए यहाँ पे इंट्राडे में कुछ पैसे बनाने की चांसेस होते हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर द रिटेल ट्रेडर्स, व्हाई इट इज़ सो पॉपुलर अमंग रिटेल ट्रेडर्स, क्योंकि एक उम्मीद होती है कुछ एक्स्ट्रा पैसे की, कि कुछ उम्मीद है वहाँ पे. थ्रिल बहुत होता है गाइस, थ्रिल मतलब कि यू नो सुबह से लेके शाम तक कुछ ना कुछ फिंगर्स अपनी हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं और कोई ट्रेड मार रहे हैं, कोई ट्रेड कर रहे हैं, उससे थ्रिल बहुत होता है स्टॉक मार्केट में. ऑफकोर्स एक्साइटमेंट ऑफकोर्स वो थ्रिल के साथ, क्योंकि यू नो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इफ़ यू आर ड्राइविंग कार एट 140, 180, 200 की स्पीड पे, देन ऑफकोर्स इट विल गिव यू थ्रिल. बट थ्रिल के साथ वो जब आप एक लेवल पे पहुँच जाते हैं, एक डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं, तो आपको एक्साइटमेंट भी बहुत होता है, बहुत मज़ा आता है. और यही सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि थ्रिल के साथ एक्साइटमेंट भी आता है. रिवेंज ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग दोस्तों उनके लिए जो लोग यू नो थोड़े से एक्सपीरियंस है, जिन्होंने मार्केट में पैसा लूज कर दिया, नाउ दे आर डूइंग इंट्राडे जस्ट टू टेक रिवेंज की नहीं बॉस मेरे पास इसी से पैसा आएगा और इसी से करके आएगा, इसीलिए मैं उसको रिवेंज यू नो ट्रेडिंग लिखा है. कॉपिंग अदर्स, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों. कॉपिंग अदर्स मतलब देखिए, whenever यू विल चेक योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक टेलीग्राम और ट्विटर, दे आर पीपल आर पोस्टिंग देयर इंट्राडे प्रॉफिट्स इन लैक्स और इन CRs, जो कि आपको सोचने पे हमेशा मजबूर कर देता है कि दोस्त अगर ये कमा सकते हैं डेफिनेटली हम भी कमा सकते हैं. इसीलिए ये इंट्राडे ट्रेडिंग इतना पॉपुलर है. आपने देखा होगा हर थर्सडे आपको ऑप्शंस में लाखों यू नो अकाउंट्स मिल जाएंगे, हज़ारों अकाउंट्स मिल जाएंगे जो अपने CRs में और लैक्स में प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हैं. इसीलिए आपको इस बात का बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि नहीं ठीक है बॉस, ये हम भी ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग पॉपुलर है. हैबिट्स एंड इमोशंस, इमोशनली हम लोग थोड़े से अटैच्ड हो जाते हैं अपनी हैबिट्स से, और हैबिट्स ऐसी है जैसे इट इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग इट्स लाइक स्मोकिंग, आप स्मोक कर रहे हैं और इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, इट्स सेम थिंग. छोड़ना बहुत मुश्किल होता है अगर इसकी एक बार लत लग गई तो, राइट. सो फॉर मी इट इज़ सो पॉपुलर, जो मैंने आपको यहाँ पे रीजंस बताए हैं. याद रखिएगा कोई भी बुकिश रीजंस नहीं है, ये अपने 5 सर्कल्स प्राइवेट लिमिटेड के रीजंस है जो मैं आपको दे रहा हूँ. बेनिफिट्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग मैं आपको बता दूं कि ऑफ कोर्स ये थोड़े से बुकिश लैंग्वेज हैं कि एंड यू नो एंड ओवरनाइट रिस्क खत्म कर देता है, देन प्रोवाइड हायर रिटर्न्स, जो आपको हायर रिटर्न्स की बात होती है कि एक ही दिन में आप 2%, 3%, 4% और इवन 20% तक अर्न कर सकते हैं. यू नो आपके लीवरेज का ऑप्शन यहाँ पे बहुत अच्छा होता है कि इफ़ यू हैव 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ देन ऑफकोर्स यू कैन लीवरेज एंड आप यहाँ पे 2 रुपीज़ के रिस्पेक्ट में आप 10 रुपीज़ का भी ट्रेड ले सकते हैं. एंड ऑफकोर्स देर इज़ नो नीड ऑफ स्टडिंग दी फंडामेंटल्स. उसका एक छोटा सा रीज़न है दोस्तों कि इस जगह पे यहाँ पे फंडामेंटल्स का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो वो स्टॉक चाहे छोटा हो या बड़ा हो या खराब कंपनी हो अच्छी कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता है. इफ़ दैट स्टॉक इज इन मोमेंटम देन डेफिनेटली इंट्राडे में वो आपको पैसे देके जाएगा. सो इट इज़ सम ऑफ फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं. अच्छा, ड्रॉबैक्स क्या होते हैं दोस्तों? ड्रॉबैक्स में हाईली रिस्की ऑफकोर्स, क्योंकि आप जब लीवरेज पे काम कर देते हैं हाई रिस्क आपके लिए ट्रेड्स हो जाते हैं. फुल टाइम जॉब मैं एक्चुअली फुल टाइम जॉब के अलावा इसमें एक और वर्ड ऐड करना चाहूँगा, इट्स अ वर्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, जो कि एक ड्रॉबैक है इंट्राडे ट्रेडिंग का. एंड दिस आई कैन टेल यू विद माय ऑल एक्सपीरियंस. एक्सट्रीम फोकस एंड मेंटल हेल्थ. एक्सट्रीम फोकस मीन्स जब तक आप इस पूरे इंट्राडे के सेटअप में एक्सट्रीमली फोकस नहीं होते हैं, अपने आप को बिल्कुल वो बोलते ना कि 100% आप इसमें नहीं देते हैं, तब तक डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए इंट्राडे ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. मेंटल हेल्थ दोस्तों बिल्कुल ज़रूरी है यहाँ पे. जिन जिन के पास भी इमोशनली थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इमोशनली थोड़े से अटैच्ड हो जाते हैं, इमोशनली थोड़े से वीक है, उनके लिए ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है. इसलिए मेंटल हेल्थ आपको बहुत स्ट्रांग चाहिए, प्लस वॉलेटिलिटी कि आपने अभी 2% अप देखा कोई भी स्टॉक और नेक्स्ट मोमेंट वो 2% डाउन चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है. ये सारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग का है. सो व्हाई इंट्राडे ट्रेडिंग, व्हाई इट इज सो पॉपुलर, बेनिफिट्स एंड द ड्रॉबैक्स, ये मैंने आपको बता दिया इफ यू आर न्यू इन द मार्केट, राइट. व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड?
राइट, सो देर आर डूज एंड डोंट्स, जबकि मैंने यहाँ पे लिखा है डोंट्स एंड डूज, डोंट्स एंड डूज इसलिए क्योंकि गाइस सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है इस वेबिनार को शुरू करने से पहले और क्या करना है। जब तक आपके पास ये नहीं होंगे तब तक डेफिनेटली आप इस वेबिनार का 100% जो भी बेनिफिट है वो नहीं ले पाएंगे, राइट। सो लेट मी शो यू सम डोंट्स एंड डूज। अभी डोंट्स में सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, यू हैव टू स्टॉप फॉलोइंग अदर्स ऑन सोशल मीडिया कंप्लीटली और एटलीस्ट लिमिट योर सेल्फ। सी इट इज अप टू यू, if you are going to stop following other people on social media, जितने भी लोग वहाँ पे you know tips they provide कर रहे हैं या कोई chart आपको provide कर रहे हैं या recommendations provide कर रहे हैं या कोई ऐसा अपना profit show कर रहे हैं, उनको please स्टॉप कर दीजिए, उनको फॉलो करना आज अभी इसी वक्त से। और अगर आप कंप्लीटली आउट नहीं हो सकते हैं तो प्लीज़ लिमिट योर सेल्फ। लिमिट योर सेल्फ का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपको उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करना है जो आपको लगता है जेन्युइन है, जो आपको लगता है आपके लिए जेन्युइनली हेल्प कर रहे हैं या जेन्युइनली वो आपको कुछ अच्छे सजेशन दे रहे हैं, देन डेफिनेटली आप उनके वे थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं। लेकिन स्टिल आई विल से कि इंक्लूडिंग अस आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। Stop believing everyone who are showing profits every time. गाइज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जो आपको ज़रूरी है समझना और जानना, कि जितने लोग भी यहाँ पे प्रॉफिट शो कर रहे हैं इंट्राडे के या आपके ऑप्शंस के या डेली बेसिस पे, बिलीव करिए गाइज ये वो लोग हैं जो आपके साथ बहुत सटल मार्केटिंग कर रहे हैं और आपको मालूम भी नहीं चल रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जब वो अपने प्रॉफिट्स वहाँ पे पोस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपके एक मेंटल उस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और आपको ये लगता है कि दुनिया में सब प्रॉफिट कमा रहे हैं एक्सेप्ट यू। आप उनको भी अवॉइड करिए जो आपके अगल बगल हैं और जो आपको ये बता रहे हैं कि आज मैंने 2,000 रुपए कमाए, आज मैंने 3,000 रुपए कमाए, आज मैंने 5,000 रुपए कमाए। प्लीज अवॉइड देम कंप्लीटली, उन सबको यहां पे अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। स्टॉप डूइंग पेपर ट्रेडिंग गाइज, ये थर्ड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैं प्लीज 2 मिनट एप से लूंगा एक्सप्लेन करने के लिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सी गाइस होता क्या है, कई बार हमें दोस्तों बताया जाता है कि जो भी आप सीख रहे हैं, जैसा भी आप सीख रहे हैं उसकी पेपर ट्रेडिंग करिए और उस पेपर ट्रेडिंग के बेसिस पे आप यू नो अपने आप को जज करिए कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू डू पेपर ट्रेडिंग। रीज़न इज़ प्रिटी सिंपल, क्योंकि जब भी कोई पेपर ट्रेड करता है दोस्तों उसमें उनके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कभी इस बात को अपने ऊपर रख के देखिएगा, सबकी बात छोड़ दिए, कभी अपने ऊपर रख के देखिए। सपोज इफ़ यू हैव 1 लाख रुपीज़ जो कि सिर्फ पेपर पर लिखे हुए हैं, उस पेपर पर मैंने आपको जो रूल्स रेगुलेशंस बताए आप सारे फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको बताया 100 पे बाय करिए तो 100 पे बाय किया, उसमें आपका अगर 80 रुपीज़ का भी स्टॉप लॉस जाएगा और आपने पेपर पे 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस डिडक्ट कर दिया या माइनस कर दिया, देन यू आर नॉट ऑन दी लूजिंग साइड, क्योंकि आपके जेब से इमोशनली या फिजिकली कोई भी पैसा वहां से आपके पॉकेट से नहीं गया। दैट मीन्स कि आपने उसमें प्रैक्टिकली कुछ भी लर्निंग नहीं करी, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज 80% बिहेवियरल साइंस और 80% इसके या फिर आपको इमोशन स्टैंडिंग्स का बात बोल दीजिए। अगर आपके इमोशंस आपके ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि जब तक पेपर ट्रेड कर रहे थे दोस्तों तब तक तो बहुत अच्छे पैसे आ रहे थे, टिल दैट टाइम वी वर मेकिंग सो मच ऑफ मनी, बट वेन यू विल कम इन दी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग then the scenario will change drastically. In fact, मैं बोलूँगा flip side, बिल्कुल flip आपका हो जाएगा। अगर आप profit यहाँ पे कर रहे हैं तो वहाँ पे definitely losses करने वाले हैं, क्योंकि कभी भी आपने emotion सीखे नहीं। इसलिए मैं जो भी webinar आपको बताने वाला हूँ, जो भी यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसमें आपको basically paper trade बिल्कुल भी नहीं करना है। First day से आपको practical learning करनी है with practical money करनी है, and do not please believe me कि आपके लिए वहाँ पे margin of safety हमारी priority है, so do not worry about anything else। आपके लिए paper trading strictly avoidable है। Stop delving in the past results। होता क्या है दोस्तों, आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको पास्ट में नुकसान लगा होगा intraday trading में, जिनको पास्ट में काफ़ी you know setbacks लगे होंगे emotionally, लेकिन मेरा आपसे एक ही question है दोस्तों, अगर आप पास्ट में दिन भर उसी वर्ड में पास्ट, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बींग दो ही जगह रहते हैं, या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में, हमें प्रेजेंट में रहना नहीं आता है। लेकिन वॉट आई वुड रिक्वेस्ट कि मैं आपसे सिर्फ पास्ट से निकलने के लिए बोल रहा हूँ, यू कैन बी इन फ्यूचर, क्योंकि
हमारी आदत है फ्यूचर में रहने की. यू कैन बी इन फ्यूचर, यू कैन बी इन प्रेजेंट. मोस्टली आपको प्रेजेंट में रहने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, बट आपको ये जो पास्ट वाली हैबिट है जो आप पास्ट में हैं वो आपको वहाँ से छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पास्ट में जितने भी आपके सेटबैक्स हैं आपकी प्रेजेंट और आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करने वाले हैं. इसीलिए आपको ये यहाँ से बिल्कुल कट डाउन करना पड़ेगा. राइट, अवॉइड नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ. नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? जितने लोग भी इंक्लूडिंग योर यू नो फ्रेंड्स और योर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, अगर वो आपके साथ कुछ अवॉर्ड नेगेटिव बातें कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट के बारे में नेगेटिव या इल टॉक्स कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में सब पैसा खोते हैं, स्टॉक मार्केट में कोई पैसा नहीं कमा पाता है, तो दोस्तों प्लीज़ अवॉइड देम. रीज़न इज़ प्रीटी सिंपल. अगर आपकी शुरुआत यहाँ से होगी तो आपकी कभी भी एंडिंग अच्छी नहीं हो सकती. सो दीज आर दी लिटिल डोंट्स जो आपको देखने हैं, जो आपको इस पूरे वेबिनार के बाद ध्यान रखने हैं. अभी आपको करना क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है यहाँ से. वॉट आर दी डूज जो आपको करने हैं? अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं मालूम है तो आज मैं आपको किसी भी ब्लैंक पेपर पे लिख के देने वाला हूँ कि अगर आपने ये जो डूज हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कर लिए, देन डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेडिंग इज गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा. तो इनकम जो हमने बात करी, एक्स्ट्रा फन और एक्स्ट्रा इनकम के साथ आपको बहुत और भी बहुत कुछ देके जा सकती है. लेकिन अगर आप ये डूज करेंगे तो इसके बिना पॉसिबल है ही नहीं गाइज कि कोई भी इंट्राडे ट्रेडर अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को अपनी 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 जर्नी को प्रॉफिटेबल बना सके. राइट, सो सबसे पहला डूज क्या है दोस्तों? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. एक इंट्राडे ट्रेडर की लाइफ की शुरुआत होनी चाहिए एट द मोस्ट 5 या 5:30 के बीच में उठने से लेके. आपके लिए सबसे बड़ी शुरुआत ये है कि आपको अपनी जो लाइफ है वो शुरुआत करनी है, अपनी जो दिन की शुरुआत करनी है वो शुरू करना है सुबह 5 बजे से लेके 5:30 बजे के बीच में उठ के. ये क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि यू नीड अ प्रॉपर मेंटल सेटअप जब आप पूरे दिन के लिए अपने लिए कुछ कमाने के लिए बैठे हैं. क्योंकि स्टॉक मार्केट नॉर्मल बिजनेस और जॉब की तरह नहीं हो दोस्तों. स्टॉक मार्केट में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिकली यहाँ पे एक सुबह मॉर्निंग में उठ के एक रूटीन सेटअप करें और अपने आप को प्रिपेयर करें स्टॉक मार्केट के शुरू होने से 3-4 घंटे पहले, ताकि आपके लिए पूरा सराउंडिंग वैसा बन सके और आपको वो स्टॉक मार्केट में हेल्प कर सके. तो सुबह 5 से 6 के बीच में, एट द मोस्ट 6 के बीच में आपको उठना ही उठना है. दिस इज द प्री रिक्विजिट जो आपको करनी करना है. दूसरा क्या है? ट्राई टू मेडिटेट ऑन योर रूल बुक्स. मेडिटेशन का मतलब लोग गलत समझ लेते हैं दोस्तों. मेडिटेशन का मतलब नहीं है कि आपने हाथ यूं करें और ओम 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 का जप कर रहे हैं, किसी मंत्र का जप कर रहे हैं. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. व्हाट आई एम सेइंग कि यू हैव टू मेडिटेट, दैट मींस यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ अबाउट योर रूल बुक एंड अबाउट योर सिस्टम्स. जो भी रूल बुक हम बनाने वाले हैं, जो भी सिस्टम बनाने वाले हैं, उसके आपको मेडिटेट करना है. उसका मतलब उसके बारे में अपने आपको बार बार रिमाइंड कराना है. मेडिटेट इज नथिंग, जस्ट टू रिमाइंड योर सेल्फ सम गुड थॉट्स, सम गुड यू नो सम गुड थॉट्स, या आपके जो भी रूल्स हैं, जो भी अच्छे रूल्स आपने अपनी लाइफ के लिए बनाए हैं या ट्रेडिंग सिस्टम के लिए बनाए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं. सो प्लीज़ ये बहुत ज़रूरी है सुबह उठ के. सेट सम अचीवेबल टारगेट, ये डूज में आपके बिल्कुल आता है. ये मॉर्निंग वाला जॉब नहीं है लेकिन ये फिर भी आपके डूज में आता है. आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों एक अचीवेबल टारगेट को सेट करना. दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने मंथ का सोच लिया कि आज मेरे पास 1 लाख है तो अगले मंथ 2 लाख होने चाहिए. गाइस स्टॉक मार्केट में अगर ये सिस्टम चलता है कि 1 महीने में 1 के 2, फिर 2 महीने में यू नो 2 के 4, फिर 4 के 8, फिर 8 के 16, देन डेफिनेटली नो बडी वुड बी इन सम डिफरेंट बिजनेस और जॉब. सब स्टॉक मार्केट में काम कर रहे होते हैं और सबको ये जो मल्टीप्लिकेशन है सब उसकी वजह से सबके सब ने बहुत पैसे कमाए होते हैं. सो प्लीज़ जो भी आपके टारगेट्स हैं उनको बहुत अचीवेबल रखिएगा, बहुत रियलिस्टिक साइड पे रखिएगा, तब कहीं जाके आप एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप पे वर्क कर पाएंगे और तब कहीं जाके आप उसको अचीव कर पाएंगे. राइट, सो सेकेंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लर्न समथिंग एवरी डे फ्रॉम योर मिस्टेक नॉट फ्रॉम यूट्यूब. ये सबसे बड़ी रिटेल ट्रेडर्स गलती करते हैं कि जो आपकी मिस्टेक्स हैं वहाँ पे लोग यू नो क्या करते हैं, उन मिस्टेक से लर्न करने की बजाय यूट्यूब से रोज लर्न करने की कोशिश करते हैं कि काश कोई मेंटर मिल जाए, काश कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरे को कुछ सिखा दे और उस सीखने के बेसिस पे मैं स्टॉक मार्केट में पैसे कमा लूं. नहीं, आपके लिए मैंने सबसे पहले बोला था आपके लिए सबसे बड़ा मेंटोर होने वाला है आपका खुद के मिस्टेक्स, और उस पर आपको वर्क करना है डेली, उससे कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है. राइट, स्टॉप किलिंग योर टाइम विद नेगेटिव थॉट्स. दिस इज अ लास्ट पॉइंट. दैट मींस अगर आज आपको लॉस हुआ है तो गाइज लेट इट बी एक्सेप्टेड. अगर आपको लॉस हुआ है उसको नेगेटिव थॉट में मत कन्वर्ट होने दीजिएगा. आपको सिंपल सी बात है, उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट डे. राइट, सो दीज आर सम डूज एंड डोंट्स जो आपको करने हैं. और इसमें आपके लिए ये अगर आपने रूल बुक
रूप में ये आपने सिस्टम में बना लिए, तो डेफिनेटली सोच मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ 50% आपका वर्क अभी डन हो चुका है। सो नंबर ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जिस पे जो काम होता है वो मैं एक बार आपको फिर बता दूँ। देर आर 4 टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज जिसपे इंट्राडे ट्रेडर्स वर्क करते हैं। देयर इज स्कैल्पिंग, रेंज ट्रेडिंग, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग एंड डेफिनेटली हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। सो गाइज, इसमें स्कैल्पिंग और आपकी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, ये दोनों को आपको निगेट करना है। दैट मीन्स जो हमारा वाला वेबिनार है वो 2 चीज़ों पर फोकस करने वाला है, दैट इज़ रेंज ट्रेडिंग और न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। ये बाकी 2 चीज़ों पर वर्क करने वाला नहीं है। मैं उसका आपको लॉजिक बताता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। सी गाइज, स्कैल्पिंग जो होती है दैट इज़ वेरी हाई, यू नो, दैट इज़ समथिंग जहाँ पर आपको बहुत छोटे छोटे पिप्स के लिए या बहुत छोटे छोटे अमाउंट के लिए काफ़ी बड़े बड़े ट्रेड्स करने पड़ते हैं, विच आई विल नॉट सजेस्ट यू। स्कैल्पिंग एक एक सेकेंड, दो दो सेकेंड या एक एक मिनट या दो दो मिनट्स के ट्रेड होते हैं, विच आई डू नॉट थिंक कि यू आर प्रिपेयर्ड। एंड वो बेसिकली आज कंप्यूटर्स का काम हो चुका है, वो कंप्यूटर्स ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसलिए अवॉइड दिस स्कैल्पिंग। आपके लिए दूसरा जो अवॉइड करने वाला है वो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड, जिसको हम HFT भी बोलते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड्स क्या होते हैं दोस्तों? इट इज़ जस्ट लाइक एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग्स मतलब आपका, सिंपल सोचिए, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड्स में आपको कंप्लीटली अवॉइड इसलिए बोलूंगा बिकॉज यू कैन नॉट विन फ्रॉम द कंप्यूटर। इसीलिए आपके लिए एक सिंपल सा फंडा है, ये दोनों चीजें कंप्लीटली अवॉइड करिए और 2 चीजों पर फोकस करिए, दैट इज रेंज ट्रेडिंग एंड न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। अब रेंज ट्रेडिंग क्या होती है दोस्तों? सपोज इफ वन स्टॉक हैज अ रेंज ऑफ ट्रेडिंग from 100 to 120 and from 90 to 110, from 110 to 140. That means ये एक रेंज हो गई है अपसाइड एंड डाउन साइड की, इसको हम रेंज ट्रेडिंग बोलते हैं। जो हमारा मेन पर्पज है इस वेबिनार का, वो उस रेंज ट्रेडिंग में आपको एक्सपर्ट बनाने का है। ये रेंज ट्रेडिंग हमारे लिए मेन होने वाली है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रेंज ट्रेडिंग में अगर आपने एक्सपर्टीज ले ली, बाकी सबको अवॉइड भी कर दिया तो चलेगा। रेंज ट्रेडिंग विल गिव यू डेफिनेटली एन एज, जहां पे यू विल अर्न दैट एक्स्ट्रा मनी जिसका मैंने आपसे प्रॉमिस करा है। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। न्यूज बेस में भी काफी कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे मर्जर एक्विजिशन आ जाता है, जैसे आपका कोई बायबैक आ जाता है, या आपका कोई FPO आ जाता है, या आपका कोई ऐसी न्यूज आ जाती है जहां पे आपको बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सडनली उसी में। जैसे अभी पिछला अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, सो लास्ट फ्यू डेज या लास्ट वीक हमने देखा था HDFC और HDFC बैंक में एक न्यूज आई थी जिसकी वजह से हमें काफी एक अच्छा अपसाइड देखने मिल रहा था ऑन मंडे और ट्यूजडे, लेकिन उसके बाद वो कूल ऑफ हो गया। और इसी को हम बोलते हैं न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग, जहां पे एक न्यूज आती है, न्यूज की वजह से स्टॉक जंप करता है और वापस कूल ऑफ हो जाता है। हम इसके ऊपर भी वर्क करेंगे, बट आवर प्राइमरी फोकस इज गोइंग टू बी ऑन रेंज ट्रेडिंग, जो कि आपको ध्यान रखना है। चल रहे हैं सीधे आपके लिए, मैं शेयर कर रहा हूँ सीधे चार्ट्स, और चार्ट्स पे मैं आपको पूरा सेटअप समझाने वाला हूँ, पूरा सिनेरियो समझाने वाला हूँ, जहां पे आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस प्लस बिहेवियरल साइंस, ये याद रखिएगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है इंट्राडे ट्रेडर के लिए। बिहेवियरल साइंस जहाँ पे 80% रोल बिहेवियरल साइंस का होता है, वो 80% रोल आपको देखना है, वो समझना है मेरे साथ, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो टेक्निकल चार्ट्स हैं वो भी समझने हैं, क्योंकि विदाउट टेक्निकल चार्ट्स यू कैन नॉट डू इंट्राडे ट्रेडिंग प्रॉपरली। सो ये सेशन यहाँ से अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज टेक योर कॉपी एंड पेपर, पेन एंड पेपर, एंड प्लीज राइट डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ, राइट? सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी शेयर माई चार्ट्स विद यू। ऑलराइट गाइस, सो आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन, यू कैन चेक माई स्क्रीन, राइट? सो गाइज, नाउ देर आर सम प्री रिक्विजिट जो कि आपको देखनी है, आपको प्री रिक्विजिट पे वर्क करना है। वो ये है कि आपके लिए यहाँ पे एक आपके पास टेक्निकल चार्ट्स का सेटअप होगा, जिसके लिए आपको एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर लगेगा। वो टेक्निकल सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, अगर आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट में नए हैं, देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ ट्रेडिंग व्यू, वहाँ पे फ्री के अकाउंट बन सकता है, आप यू कैन टेक दी हेल्प ऑफ इन्वेस्टिंग। और अगर आपका ज़ीरोधा आप स्टॉक या किसी भी ब्रोकर पे अकाउंट है, देन डेफिनेटली दे मस्ट बी प्रोवाइडिंग यू दी टेक्निकल सेटअप, जो कि आपको टेक्निकल चार्ट्स का सेटअप या टेक्निकल चार्ट्स वो आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, जो कि आपको वहाँ पे देखने हैं, समझने हैं और उस पर आपको वर्किंग शुरू करना है। लेकिन जो मेरी वर्किंग है वो मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेडिंग व्यू के सेटअप पे, तो प्लीज ये सेटअप देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। डू नॉट गो विद द कलर, आई हैव डन दिस ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का मेरे एक छोटा सा इसमें एडवांटेज ये होता है कि आईज पे काफी स्ट्रेन नहीं होता है जब आप घंटों वर्क करते हैं एज अ इंट्राडे ट्रेडर। यू नीड टू सेट ऑन द चार्ट्स,
और आपको वहां पे काफी टाइम वर्क करना होता है, लेकिन इसीलिए अगर आप उसको ब्लैक स्क्रीन कर लेते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड कर लेते हैं, देन डेफिनेटली इट डज नॉट अफेक्ट योर आईज. सो दिस दैट इज व्हाई यू कैन सी माय स्क्रीन ब्लैक. सो गाइज, दिस इज यू नो ट्रेडिंग सेटअप ऑन दिस इज चार्ट सेटअप ऑन दिस ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म. ये ट्रेडिंग व्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे ये पूरा सेटअप दिया गया है. आप भी ये पूरा सेटअप जनरेट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग पे, और आपके लिए ट्रेडिंग व्यू पे भी ये सेटअप या आपके ब्रोकर के अकाउंट पे भी सेटअप हो सकता है. दूसरी आपकी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, आपके ऑप्शन चार्ट्स की रीडिंग आनी चाहिए. ऑप्शन चार्ट्स जो कि आपको NSE की वेबसाइट पे अवेलेबल है, या ऑप्शन डेटा, ऑप्शन चार्ट्स की जगह मैं ऑप्शन डेटा कहना ज्यादा पसंद करूंगा. ऑप्शन डेटा जो कि NSE की वेबसाइट पे अवेलेबल है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यू नो फ्री प्लेटफॉर्म्स भी हैं या पेड प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, वेदर इट इज स्टॉक एज और क्वेंट्स ऐप और आपका माई एफ एंड ओ. बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनका आप हेल्प ले सकते हो, जो कि आपके इंट्राडे में बहुत वर्क करने वाले हैं. राइट, सो ये दो प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको चाहिए होगा. ऑफकोर्स इंटरनेट, लैपटॉप, एंड यू नो अ वेरी गुड क्लीन प्लेस, अ गुड पॉजिटिव प्लेस जहाँ पे आप बैठ के वर्क कर सके. याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपकी जो सराउंडिंग है, जैसे आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, देन देर इज नो नॉइज अराउंड, राइट? कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसीलिए आई कैन डिलीवर दिस स्पीच इन अ वेरी यू नो पीसफुल मैनर. इसीलिए आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने बैठे, देन मेक श्योर कि कोई भी आपके अगल बगल नॉइज ना हो, वो किसी भी टाइप की नॉइज ना हो, सिर्फ और सिर्फ आप और आपके ट्रेडिंग सेटअप्स हो, चार्ट सेटअप्स हो जिस पे आप वर्क कर रहे हो, और उसके बाद डेफिनेटली आपके लिए एक वहां पे पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट बनेगा वो आपको हेल्प करेगा एज अ ट्रेडर, राइट? सो ये एक प्री रिक्विजिट थी, बैठने की जगह, एक अच्छा लैपटॉप, इंटरनेट, कुछ चार्ट सॉफ्टवेयर जो आपको चाहिए पड़ेंगे, और आपके ऑप्शन के लिए कोई पेड या अनपेड सॉफ्टवेयर जो का ऑप्शन डेटा आप चेक कर सके. ये सारी चीजें आपको वहां पे हेल्प करने वाली हैं. राइट, सो गाइज, याद रखिएगा मैंने आपको 15 वीक्स का प्रोग्राम बताया है. 15 वीक्स का मतलब मैंने हर दो वीक में आपको बताया है कि आपको कैसे अपने कैपिटल को डिप्लॉय करना है हर वीक के साथ, और उसी कैपिटल के बेसिस पे मैंने स्ट्रेटजीज प्लान करी हैं. स्ट्रेटजीज आपको बताने वाला हूँ, दैट मीन्स मैं आपको 7 स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ, क्योंकि ये 15 वीक्स का है और वो 15 वीक्स में दो दो वीक्स के आपके प्रोग्राम है. That means मैं आपको 7 strategies and setups बताने वाला हूँ जो आपको हर एक वीक के बाद अप्लाई करने हैं. That means कि अभी से लेकर next 3 hours तक मैं आपको जो भी सेटअप बताऊंगा वो 7 parts में बताने वाला हूँ. तो 7 part में जो मैं आपको first part, second part और third part आज बताऊंगा, वो 3 पार्ट आपके आज कवर होंगे, और बाकी के रेस्ट 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो मैं आपको नेक्स्ट 2 आवर्स में कवर करूंगा, जो कि कल के सेमिनार वेबिनार में होने वाला है. तो आज के 3 सेटअप्स के लिए जो सबसे पहला सिनेरियो है वो मैं आपको समझा देता हूँ, और ये सिनेरियो आपके लिए सामने सामने यू नो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बताने वाला हूँ. सो गाइज, दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेडिंग व्यू. मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ. ट्रेडिंग व्यू जनरली जब आप ओपन करेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग व्यू का जो सेटअप होगा, मैं यहाँ पे एक बार फिर से ओपन कर देता हूँ ट्रेडिंग व्यू का सेटअप, ताकि आप में से जितने लोग भी नए हैं उनको एटलीस्ट कोई भी कंफ्यूजन ना हो. सो वेन एवर यू विल ओपन दिस सेटअप ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पे कोई स्टॉक सर्च कर लेते हैं हम, या आपके लिए मैं एक बार इन्वेस्टिंग ओपन कर देता हूँ. बाई चांस अगर आप ट्रेडिंग व्यू में नहीं है, देन आई वुड लाइक टू ओपन दी इन्वेस्टिंग का जो सेटअप है. investing.com इज अ वेरी वेरी फेमस वेबसाइट जो कि आपके लिए यहाँ पे वर्क करने वाली है, काफी हेल्प करने वाली है आपको, राइट? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, देयर इज ऑलराइट. सो लेट मी पुल आउट दी चार्ट. रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक सर्च करेंगे दोस्तों, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपको चार्ट पुलअप हो जाएगा. टेक्निकल चार्ट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है. दोज हु आर न्यू काइंडली चेक दिस अगेन एंड अगेन, ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो. This is re-streaming. This is actually streaming the chart. Then you will get this kind of chart. You have to just make sure कि आपको यहाँ से इसको expand कर लेना है, and then आपको ये candlesticks पे आ जाना है. So somewhat आपका trading view और जो आपका setup है investing का, वो आपको ऐसा कुछ दिखेगा white color का, and then here you will see all the candles, right? So इसी को मैंने just black कर दिया है, and then इस पूरे जो setup को है, आपका सेटअप समझिए ऐसा है जो मैंने यहाँ पे दिया है, और इस सेटअप को इस जगह से जाके, बिकॉज दिस इज लेआउट, आपको ये 4 लेआउट्स पे क्लिक करना है, एंड देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ सेटअप्स, राइट? ये सेटअप पे आपको वर्क करना है, और यहाँ पे आपको जो सबसे पहले चार्ट पे वर्क करना है, दैट इज गोइंग टू बी योर 5 सॉरी डेली चार्ट. यहाँ पे जो डेली चार्ट है, आपको 4 लेआउट सेटअप के बाद जो फर्स्ट सेटअप लगाना है दोस्तों, याद रखिएगा फर्स्ट चार्ट का, क्योंकि यहाँ से मैंने लेआउट से
सेलेक्ट लेआउट में मैंने फोर्थ लेआउट्स का सेटअप यूज करा है एंड फर्स्ट चार्ट व्हाट आई हैव यूज्ड इज अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट. इस डेली टाइम फ्रेम चार्ट को आपको पुट कर लेना है. नाउ सेम आपको ये रिलायंस का चार्ट, क्योंकि यहाँ पे जब आप ऑप्शन चूज करते हैं तो सिंबल को अगर आप ये ब्लू टिक रहने देंगे देन वॉट एवर यू नो अ स्टॉक यू विल पुट हियर ऑल दी स्टॉक्स विल चेंज हियर. सो यहाँ पे अगर आपने रिलायंस का डाला सो रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगेन मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही चार्ट चाहिए, दैट इज ऑनली वन आर चार्ट. यहाँ पे वन आर चार्ट के सेटअप पे मैं इसको ले रहा हूँ. दिस इज द सेम रिलायंस इंडस्ट्रीज चार्ट ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैंने इस रिलायंस इंडस्ट्रीज को लिया है एंड देन अगेन 5 मिनट्स चार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज. दैट मीन्स कि डेली चार्ट, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है. डेली चार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, वन आर टाइम फ्रेम चार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, 15 minutes charts of time frame charts of Reliance Industries and 5 minutes chart of the same stock, right? तो ये आपके लिए एक सेटअप हो गया जो आपको सेटअप यूज करना है. ये सेटअप अगर आप यूज करना शुरू करेंगे एंड देन डेफिनेटली फिर हमारे यहाँ से वर्किंग शुरू हो जाएगी. सो फर्स्ट स्टेप इज कि आपके लिए यहाँ पे पहला स्टेप ये है कि आपको एक अच्छा सेटअप पे वर्किंग करना है. सेटअप मीन्स इसके बाद आप कभी भी किसी भी स्टॉक पे आप सिंगल लेआउट पे वर्किंग नहीं करेंगे. दैट मीन्स आपके लिए जब भी आप कभी अपने आपको देखें देन यू हैव टू फिक्स दिस इन योर टूल बुक एंड दैट इज कि यहाँ पे आपके लिए अगर आप सिंगल लेआउट पे वर्क कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग द करेक्ट थिंग एंड यहाँ पे लॉस होने के चांसेस हाई हो सकते हैं. इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप यहाँ से वर्किंग शुरू करें और अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटजीज और सेटअप्स को फॉलो कर रहे हैं, देन यू नीड टू मेक श्योर दैट फोर लेआउट सेटअप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेयर डेली वन आवर चार्ट, 15 मिनट्स चार्ट एंड दी 5 मिनट्स चार्ट्स यू हैव टू पुट एंड देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग, राइट? सो दिस इज वन बेसिक प्रीरिक्विजिट जो मैंने आपको बता दिया जो कि आपको करनी है बिफोर वी गेट इनटू आवर 7 स्टेजेस स्ट्रेटजीज जो मैंने आपको बताया कि हर एक वीक आपको स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी है, राइट? ये हो गया आपका पहला पार्ट. नाउ सेकंड पार्ट गाइस, मैं पहले आपको एक बहुत सिंपल सा फंडा क्लियर कर दूं क्योंकि अब हम चार्ट्स पे हैं. तो चार्ट्स पे आने से पहले मैं एक जो सारे के सारे अपने लर्निंग मेंबर्स उनको बताता हूं, मैं आपको भी बताना जरूरी समझ रहा हूं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड दैट गाइस, फॉर अस एंड फॉर एनीवन एल्स, जो कोई भी हो वर्ल्ड में, अगर आपकी डेफिनेशंस क्लियर नहीं है देन डेफिनेटली आपका आगे का सिस्टम भी क्लियर नहीं हो सकता है. ज्यादातर रिटेल ट्रेडर, क्योंकि हमने अपने डेमो सेशंस में बताया था, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ इस इंपॉर्टेंट बात को, ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब कुछ गलत समझते हैं. उनका मतलब क्या होता है, अगर कोई किसी से पूछे व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग, दैट मींस दे विल से कि बॉस इंट्राडे ट्रेडिंग इज द सिस्टम जहां पे यू शुड ट्रेड एवरी डे एंड देन यू शुड ट्राई टू अर्न एवरी डे, राइट? आपका ट्रेडिंग सेटअप आपके लिए डेली काम करेगा और डेली आपके लिए अर्न करके देगा. जबकि मैं हमेशा इस चीज को बहुत डिफरेंट वे में बात करता हूँ, बहुत डिफरेंट वे में लेके जाता हूँ, और वो ये है कि आपके लिए इंट्राडे डज नॉट मीन दैट यू हैव टू ट्रेड एवरी डे. याद रखिएगा दोस्तों, ये वर्ड आपके लिए गोल्डन माइल साबित हो सकता है, गोल्डन यू नो एक अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है कि अगर आपकी ये छोटी सी डेफिनेशन क्लियर होगी कि इंट्राडे डज नॉट मीन दैट यू हैव टू ट्रेड एवरी डे, इंट्राडे जस्ट मीन दैट यू नीड टू बाय एंड सेल ऑन द सेम डे. अगर आपका जो ट्रेडिंग चार्ट, ट्रेडिंग सेटअप जो हम आपको बताने वाले हैं, वो ट्रेडिंग चार्ट और सेटअप आपके लिए अगर उस पर्टिकुलर दिन, मान लीजिए मैं आज का एग्जांपल ले रहा हूँ, आज अगर फ्राइडे होता और आज का मेरा सेटअप मेरे को अलाउ नहीं कर रहा होता या मेरे सिस्टम पे कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं आता जिसमें मेरा सिस्टम एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा है, तो प्रोबेबली आज मेरे लिए नो ट्रेडिंग डे होता. नो ट्रेडिंग डे दैट मीन्स कि जिस दिन आपने पैसा नहीं कमाया वो दिन आपका वेस्ट नहीं हुआ, वो दिन आपके लिए क्या एक्सपीरियंस लेके आया, एक ही सिंपल चीज कि इस दिन आपने कुछ नया लर्न किया रदर देन अर्निंग. और याद रखिएगा, वेन एवर यू ट्राई और वेन एवर यू पुश सो हार्ड, जब आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट्स के लिए अपने आप को थोड़ा सा हार्ड पुश करना शुरू करते हैं या ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कोशिश करते हैं, तो वहां से आपके लिए सब कुछ खराब होना शुरू हो जाता है. इसीलिए कीप योर सेल्फ यू नो वेरी सिंपल, वेरी क्लीन, वेरी 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 क्लियर कि आपके लिए ट्रेडिंग सेटअप का मतलब ये नहीं है कि एवरी डे यू नीड टू फाइंड द ट्रेड एंड ट्रेड. आपके लिए सिंपल सा है कि वेन एवर यू विल फाइंड एनी ट्रेड वेयर यू फाइंड योर सेल्फ इन अ कंफर्टेबल पोजिशन अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग सेटअप, देन ओनली यू हैव टू डू दैट
ट्रेड, अदरवाइज अवॉइड दैट डे. बिलीव करिए, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बता रहा हूँ. अगर मैं इंट्राडे ट्रेड्स की बात करूँ, तो हार्डली मंथ में मैं 5 और 6 इंट्राडे ट्रेड्स पे वर्क करता हूँ. दैट मीन्स कि जब भी कोई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड दिखता है जहाँ पे इंट्राडे के चांसेस बहुत हाई होते हैं, एंड विद दिस रिगार्ड आई गिव यू वन एग्जाम्पल. Few days back, we have started our Lux Plus batch, which is advanced technical analysis. जहाँ पे that day, you know, because I always request everyone कि आप जो भी, you know, जो भी मेरे को as a fees या जो भी Five Circle Private Limited को fees दे रहे हैं, that we will try to make sure कि as a mentor, I will give you few, you know, good learning on the charts or suggestions, जो कि आपको आपकी fees recover करने में help करेगा. और यही हमने लक्ष्य जो एडवांस पैस था उसके साथ किया, एंड दे हैव रिकवर्ड देयर 34,500 फीस इन अ सिंगल डे. दैट इज हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो कि हमारे सेटअप में आता है और तब हम उसमें काम करते हैं. और यही बात आपको याद रखनी है दोस्तों, वो ये कि आपके सेटअप में आपको मंथ में 5 से 6 या मैक्सिमम 7-8 बार आपको वर्क करना है, क्योंकि अगर आपने डेली वर्क करने की कोशिश करी तो सम डे यू विल लूज बट मैक्सिमम टाइम यू विल सम डे यू विल अर्न बट मैक्सिमम टाइम यू विल लूज, एंड डेफिनेटली वो जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो आपका ठीक नहीं बैठेगा, राइट. सो इंट्राडे ट्रेड मींस हाई लीवरेज पोजीशंस विद फाइव सर्कल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारी डेफिनेशन में आता है, बट दैट टू ऑन अ परफेक्ट 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 ट्रेडिंग सेटअप, देन आपको वो ट्रेड करना है, राइट. सो दिस इज वन थिंग जो मैंने आपको बताया आपको करनी है. ध्यान रखिएगा इससे बिल्कुल भी साइड में या इससे बिल्कुल भी यू नो इसको मिस मत करिएगा कि आप डेली ट्रेड पे अगर करने में बैठे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इश्यूज क्रिएट होंगे. सो गाइज विद दिस नोट, अभी हम लोग एक बार फिर से चार्ट्स पे चलते हैं, और चार्ट्स पे मैं आपको आपका फर्स्ट सेटअप बताने वाला हूँ जिसपे आपको वर्किंग शुरू करनी है फॉर योर फर्स्ट 2 वीक्स. फॉर फर्स्ट 2 वीक्स का मतलब क्या है, याद है 12,500 पे आपको वर्किंग शुरू करनी है इस सेटअप पे, और आपको फर्स्ट 2 वीक्स सिर्फ आपको यही अप्लाई करनी है. बाकी जितनी भी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा मैं, 7 स्ट्रेटेजीज, बाकी की 6 स्ट्रेटेजीज, वो आपको हर दूसरे वीक में अप्लाई एक एक करके करनी है. ऐसा क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक समझिएगा, मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ ताकि हर चीज के पीछे आपको एक रीजन मिल सके और आपको कम्फर्ट जोन आ सके. याद रखिएगा हर एक स्ट्रेटेजी एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते और ना कभी करनी चाहिए टेक्निकल एनालिसिस में. हमेशा याद रखिए, पहले एक स्ट्रेटेजी पे वर्क करिए, उस पर कुछ दिन काम करिए, उसके बाद अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए उस पर दूसरी स्ट्रेटेजी इंक्लूड करिए, और फिर जब आपको धीरे से उस पर कंफर्ट आने लग जाए, पहली 2 स्ट्रेटेजीज पे कंफर्ट आने लग जाए, पहले 2 सेटअप्स पे कंफर्ट आने लग जाए विद कॉम्बिनेशन, तब उसमें 3rd स्ट्रेटेजी इंक्लूड करिए, ताकि आपका एक परफेक्ट लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता रहे. अब एक चीज खुद आप सोचेगा, अगर आप थोड़े बहुत भी प्रैक्टिकली आप मालूम है कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे होता है, अगर मैं आपको इसी सेटअप पे एन नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज बता दूं, एन नंबर ऑफ यू नो एन नंबर ऑफ इंडिकेटर्स पे वर्क करा दूं, एन नंबर ऑफ सेटअप्स पे क्लियर करा दूं, और आपको बोल दूं फर्स्ट जैसे यू नीड टू वर्क ऑन ऑल दीज सेटअप्स, ऑल दीज इंडिकेटर्स, ऑल दीज यू नो थ्योरीज, तो होगा क्या दोस्तों, ना आप इधर के रह जाएंगे ना आपको उधर के रह जाएंगे. आपको मालूम सब होगा लेकिन प्रैक्टिकली आप कुछ नहीं कर पाएंगे. इसीलिए मेरा एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करना है जैसा हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, जैसा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट. इसीलिए आपके लिए ये 4 सेटअप होना बहुत जरूरी है. 4 सेटअप में आपका फर्स्ट 2 वीक का पहला सेटअप है दोस्तों यहाँ पे मूविंग एवरेजेस बैंड. मूविंग एवरेजेस बैंड क्या होता है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी चार्ट के एग्जाम्पल से. दोस्तों आपके लिए बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं. मूविंग एवरेजेस इट इज नथिंग, एक बैंड होता है जो कि आपके जो कैंडल्स होती हैं ये पास्ट फ्यू कैंडल्स का एक पूरा एवरेज होता है, जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसा लाइंस का सेटअप मिलता है, राइट. मैंने मूविंग एवरेज बैंड को क्यों यहाँ पे मूविंग एवरेज बैंड का नाम दिया, बिकॉज आई हैव यूज्ड 5 डिफरेंट मूविंग एवरेजेस टू क्रिएट दिस बैंड. अभी 5 डिफरेंट मूविंग एवरेजेस क्यों मैंने लगाए हैं मैं एक बार आपको सेटअप बता देता हूँ. सो दिस येलो वन इज दी 20 डेज मूविंग एवरेज. आप यहाँ पे 20 डेज देख रहे हैं, आपको बाकी सब कुछ वैसा का वैसे ही रखना है. आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ आपको 20 डेज के मूविंग एवरेज पे लेना है. सेकंड आपको सेटअप लेना है 50 डेज का, जो कि आपका एक और मूविंग एवरेज, जो व्हाइट कलर वाला मूविंग एवरेज है. कलर आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, दिस इज माई सेटअप जो मैं यूज करता हूँ, आप अपने हिसाब से कलर यूज कर सकते हैं. थर्ड आपको मूविंग एवरेज लेना है, वो 100 पे लेना है.
आपको जो फोर्थ लेना है वो आपको लेना है 200 डेज का मूविंग एवरेज, 200 कैंडल्स का मूविंग एवरेज, अगर डेली पे है तो डेज, मिनट्स पे है तो कैंडल्स ऑफ कोर्स, और आपको यहाँ पे जो आपको दूसरा फिफ्थ मूविंग एवरेज लेना है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 500 डेज मूविंग एवरेज, राइट। सो ये कि मूविंग एवरेज का पूरा हमारा बैंड हो गया जिसको हम क्लियर कट देख पा रहे हैं। सो फ्रॉम 20 to 500, so that means 20, 50, 100, 200 and 500, ये moving averages आपके लिए work करने वाले हैं, ये पूरा setup आपके लिए यहाँ पे होने वाला है, और ये आपको setup यहाँ पे daily chart पे print करना है, और इसको मैंने नाम दिया है moving average band, जो कि आपको कई लोगों को मालूम होगा, लेकिन ये setup हमारे जो स्ट्रेटेजीज है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दिस इज द इजीएस्ट सेटअप जिस पे हम लर्न करने वाले हैं। तो मूविंग एवरेज बैंड पे आपको डेली चार्ट पे ये मूविंग एवरेज बैंड प्लेस करना है, याद रखिएगा दिस इज आवर डेली चार्ट सेटअप, मूविंग एवरेज बैंड जो मैंने प्लेस करा है, दिस इज आवर अर्ली चार्ट सेटअप, ये आपको जो अर्ली चार्ट है इसका मतलब ये है कि अगर आपको जो इसमें कैंडल दिख रही है, दिस वन कैंडल इज ऑफ 1 आवर, दैट मीन्स की मान लिया आपका जो ट्रेडिंग सेशन होता है फ्रॉम 9:15 to 3:30 होता है, इसका मतलब है वहां पे 6 to 7 कैंडल्स फॉर्म होती हैं, जो रोज का फॉर्मेशन है तो वो आपका 6 to 7 कैंडल्स का होता है, बेसिकली 7 कैंडल्स का ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज 8th of April, तो 8th of April को कितनी कैंडल्स फॉर्म हुई दोस्तों, हर एक घंटे की एक कैंडल, दैट मीन्स यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 कैंडल्स का जो सेटअप देख रहे हैं या आपका यहाँ पे सेटअप हुआ। तो आपको आर्ली चार्ट पे भी सेम मूविंग एवरेजेस को सेट करना है, दैट मींस आपको ये येलो वाले 20 वाले मूविंग एवरेज से ब्लू वाला 500 वाले मूविंग एवरेज तक आपको पूरा यहाँ पे सेटअप करना है, और ये आपको डेली चार्ट से भी क्या हेल्प करेगा वो अभी हम आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे। Now this is 15 minutes chart. That means अभी जो हम 1 आवर का कैंडल देख रहे थे, 1 आवर के कैंडल में ये आपका अब 15 मिनट्स का चार्ट हो गया है। That means अब आपके लिए हर एक कैंडल जो भी आप देख रहे हैं वो 15 मिनट्स का है, और आपके लिए 15 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे आपको कुछ इस फॉर्मेट में दिख रही है जो आपको यहाँ पे डेली आर्ट में इस डेली चार्ट पे इस फॉर्मेट में विजिबल थी, राइट। सो आई एम वेरी मच क्लियर, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर दोस्तों, देखते जाएगा, बहुत ध्यान से सुनते जाएगा, प्लीज इसको नोट करेगा, एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड एंड इफ यू मिस एनीथिंग देन डेफिनेटली यू कैन चेक द रिकॉर्डिंग और यू कैन कमेंट ऑन द सेक्शन बिलो, क्योंकि हम आपको डेफिनेटली वहां पे आंसर करने वाले हैं, राइट। सो 1 आवर की कैंडल्स, 1 आवर का टाइम फ्रेम सेटअप, फिर उसके बाद 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेटअप जो आप यहाँ पे 15 मिनट्स देख रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन ये 5 मिनट्स का सेटअप जिसमें हमने सेम सेटअप यूज करा है, ये 5 मिनट्स का चार्ट है जो कि आपको यूज करना है, और उस पर आपको सेम मूविंग एवरेजेस पे वर्किंग शुरू करनी है, दैट मींस फ्रॉम 20 to 500, कैन यू सी दिस येलो व्हाइट रेड ग्रीन एंड दिस इज ब्लू, दिस इज 500, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ देन दिस इज 500, तो आपको सेम सेटअप यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट। सो गाइज नाउ वी आर रेडी विद आवर फर्स्ट सेटअप जो आपको फर्स्ट 2 वीक्स अप्लाई करना है, और इन फर्स्ट 2 वीक्स में अप्लाई करने पे आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, बट आपके लिए ये सेटअप जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक मतलब जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे या अच्छे से इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं देखेंगे तब तक आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम इश्यूज रहेगा, लेकिन अभी अगर मैंने आपको सही से समझा और आपने अच्छे से इसको समझा देन डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिकली अप्लाइंग दिस फ्रॉम द फर्स्ट वीक, राइट। सो करना क्या है दोस्तों, बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे फर्स्ट 2 वीक्स पहले नोट कर देता हूँ, फर्स्ट 2 वीक्स, सो दिस इज फर्स्ट 2 वीक्स का सेटअप, राइट। सो अभी दोस्तों करना क्या है, इसमें बहुत सिंपल है, आपके लिए जो भी आपके यहाँ पे चार्ट सेटअप दिख रहे हैं उसमें आपको मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है, राइट। मूविंग एवरेज के बेसिस पे जहां पे भी ये मूविंग एवरेज जिस फॉर्मेट में भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे नोट करना है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और फिर आपको एक यहाँ पे शुरू करना है आपके मूविंग एवरेजेस के सेटअप से। सो गाइस पहला सेटअप में जो आप डेली चार्ट देख रहे हैं, याद रखिएगा मैं आपको 4 सिनेरियो बताने वाला हूँ, इस चारों सिनेरियो में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस होने वाली हैं, लेकिन आपको ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है,
और फिर आपका इसका मेन बेनिफिट आएगा। सो फर्स्ट में आपको जो ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में जब हम मूविंग एवरेज सेट करते हैं तो याद रखिएगा, एक बार के लिए मैं ये प्राइजेस को हाइड कर रहा हूँ, आई हैव क्लिक्ड ऑन दी, ये जो कैंडल्स है इसको मैंने क्लिक करा इस पे एंड देन मैंने ये प्राइजेस हाइड कर दिए यहाँ पे, देन यू गेट दिस काइंड ऑफ सेटअप जहाँ पे आपके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मेट दिख रहा है। इसके लिए जो हम, मैं आपको पहले इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, ब्रॉड कर देता हूँ, फिर सेटअप दिखाने की कोशिश करता हूँ। राइट, सो गाइज इस पे एक बहुत क्लियर सा फॉर्मेट दिख रहा है जो कि आपको क्या बता रहा है, अगर आप पूरी मूविंग एवरेज सेटअप देखेंगे, प्राइस क्योंकि मैंने हाइड कर दिए यहाँ पे, तो अगर आप पूरी मूविंग एवरेज सेटअप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ग्रीन कलर्स का जो मूविंग एवरेज है, विच इज 200 डे मूविंग एवरेज, इस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बाकी सारे मूविंग एवरेजेस ट्रेड कर रहे हैं। राइट, इफ यू विल सी दिस येलो white and the red one, अगर यहाँ पे पूरी moving average देख रहे हैं तो from 2020 जो low बना था Reliance में, उस 2020 के बाद से अभी तक कहीं पे भी इस moving averages band ने, ये जो आपका 200 days moving average है, जो green वाला setup है, उसको कहीं पे भी breach नहीं किया है। So guys आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि पहले आपको कुछ चार्ट सेटअप्स फाइंड करने हैं जहां पे आपके ये सेटअप आपको क्लियर कट दिख रहा हो, जहां पे आपके जो मूविंग एवरेजेस बैंड हो, फर्स्ट थ्री मूविंग एवरेज बैंड, दैट इज 20, 50 एंड 100, वो आपके 200 डेज को ब्रीच नहीं कर रहे हो और उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हो। राइट, आई विल गिव यू 2-3 एग्जांपल्स। जैसे आपका जो रिलायंस सेटअप है, रिलायंस सेटअप में आपने देखा है कि ये मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर उसी के एंड पे आप अदानी का स्टॉक देखेंगे और अदानी यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अदानी जहाँ पे 2020 के बाद से जो मोमेंटम फेज है, दैट इज मच हायर देन रिलायंस सेटअप। राइट, रिलायंस के जो ट्रेड था उससे काफी हाई है इधर पे, क्योंकि आप ये देख रहे हो एक बार भी जो आपके येलो एंड व्हाइट वाले मूविंग एवरेजेस, उसने रेड वाले को क्रॉस नहीं करा है। दैट मींस जो 20 वाले और 50 वाले मूविंग एवरेज, उन्होंने 100 वाला जो मूविंग एवरेज उसको बिलो कभी भी क्रॉस नहीं किया है जब से 2020 का सेटअप शुरू हुआ है, या 2020 से जब से स्टॉक ने परफॉर्म करना शुरू हुआ है। दैट मीन्स कि जितना मूविंग एवरेज जितना ज्यादा मोमेंटम में होगा, उतना आपको ईजी पड़ेगा और उतना ज्यादा आप यहाँ पे बेनिफिट ले पाएंगे मोमेंटम ट्रेड्स को फाइंड करने का, जो कि मोमेंटम ट्रेड्स एज अ स्कैनर आप यूज कर सकते हैं फर्स्ट। दूसरा, अगर इसी चीज को हम यूज करें जैसे स्टॉक लाइक भेल, राइट, क्योंकि भेल एक ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है, बेल को यूज करें, देन इफ यू विल सी दिस सेटअप, देन यू कैन क्लियरली सी कि बेल में जो सेटअप है वो आपका काफी लैकलस्टर सेटअप है और यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस हैं वो 500 वाले मूविंग एवरेज उसको भी क्रॉस कर गए हैं। दैट मींस दिस कुड बी अ लैकलस्टर ट्रेड्स जो आपके मोमेंटम में स्टॉक नहीं है, जिसमें मोमेंटम नहीं है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका सेटअप, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक मोमेंटम में यहाँ से आ नहीं सकता है, बिल्कुल स्टॉक मोमेंटम में आ सकता है, लेकिन क्योंकि अगर आप ऑलरेडी कोई स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं जो मोमेंटम में है, क्योंकि हम एक रेंज ट्रेड करने वाले हैं और रेंज ट्रेड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको सेटअप बताया था कि वी आर, मतलब जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो बेसिकली रेंज ट्रेडिंग सेटअप में काम आने वाली है। और रेंज ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि हम एक ऐसी रेंज ढूंढनी है जो या तो अपसाइड चल रही हो, लाइक दिस वे कोई हमें रेंज अपसाइड मिल रही हो, या कोई रेंज हमें डाउनसाइड मिल रही हो इस वे। लेकिन अगर कोई भी आपको रेंज इससे अलग हटके मिलती है तो वो हमारे लिए सेटअप थोड़ा सा इशू रहेगा, इसीलिए आपको ये सेटअप में मैं लेके जाने वाला हूँ। इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अदानी, रिलायंस और भील जैसे सेटअप्स में से ये डिसाइड कर पाए कि आपको किस सेटअप में जाना है। याद रखिएगा, फंडामेंटल्स आपको नहीं देखने, क्योंकि इंट्राडे में फंडामेंटल्स देखना इट्स नॉट लॉजिकल, कोई फंडामेंटल देखने की आपको जरूरत नहीं है। आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, कोई भी स्टॉक पूरे मार्केट में, या तो वो आपका एक साइडेड अप जा रहा होगा, या तो एक साइडेड डाउन, या तो वो कहीं पे भी नहीं जा रहा होगा, इसके अलावा स्टॉक्स और कुछ नहीं करते हैं। आपको मूविंग एवरेज सेटअप पे ये देखना है कि कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जिसको आप पिक कर सकते हैं। राइट, सो फॉर दिस एग्जाम्पल मैंने पिक करा है रिलायंस इंडस्ट्रीज को, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हमें पहला कंफर्ट दे दिया है डेली चार्ट पे कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज हमें बाय करना है, देन दिस कुड बी बाय ऑन डिप्स। याद रखिएगा, जो मैंने अभी आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कि इंट्राडे डज नॉट मीन दैट यू शुड ट्रेड एवरी डे, इंट्राडे मींस कि आपको जब भी आपके सेटअप पे स्टॉक आएगा तब आपको बाय करना है, सेम डे
खरीद के सेम डे आपको सेल करना है। इसीलिए बाय ऑन डिप्स अगर मैंने रिलायंस को रखा है तो प्रोबेबली अगर रिलायंस 15 डेज के लिए डाउन ट्रेंड में भी है और 15 डेज के लिए वापस से अप ट्रेंड में आता है तो वो जो 15 डेज अप ट्रेंड में आएगा वो आपके लिए पॉसिबली इस सेटअप पे, क्योंकि मूविंग एवरेजेस आर शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप जो कि बुलिश साइड को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जितने भी मूविंग एवरेज है 3 मूविंग एवरेजेस वो ये फोर्थ मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दैट मींस ये बुलिश सेटअप है और बुलिश सेटअप का मतलब है आपको ट्रेंड के साथ रहना है। ट्रेंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रेंड आपका बुलिश है देन यू हैव टू बी ऑन द बुल साइड, यू डू नॉट हैव टू ऑन द बियर साइड, राइट। तो ये सेटअप में आपको ट्रेंड मालूम चल गया, ये सेटअप में आपको एक मोमेंटम मालूम चल गया एंड ये सेटअप में आपको मालूम चल गया कि आपको किस ट्रेड में ट्रेड लेना है, किस स्टॉक में ट्रेड लेना है ऑन दी बुलिश साइड। और अगर जो आपके मूविंग एवरेजेस ये 500 वाले मूविंग एवरेज से नीचे या 200 वाले से नीचे हैं, बेसिकली ये फर्स्ट थ्री, देन आपको वो बेयरिश साइड पे आपको हेल्प कर सकते हैं इन योर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इसीलिए मैंने आपको बोला था फ्यूचर डेटा रीड करना आना चाहिए, जिसको हम आने वाले आवर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट सेटअप अगर आपको मालूम चल गया मूविंग एवरेज बैंड पे, आपका डेली चार्ट पे ये पूरा सेटअप आपके लिए वर्क करने वाला है, राइट। मैं वापस से प्राइस एक्शन लगा देता हूँ। प्राइस एक्शन के लिए आपका अभी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन ये फर्स्ट सेटअप क्लियर हो गया। अब गाइस सेकंड सेटअप पे आते हैं और सेकंड सेटअप बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेटअप है जो कि अर्ली चार्ट पे है। एंड सेकंड सेटअप में आपको क्या देखना है गाइस, याद रखिएगा अगर आपका जो डेली सेटअप है वो बुलिश है और उसके साथ साथ जो अर्ली सेटअप है वो बुलिश है, अगर अर्ली सेटअप भी बुलिश है डेली सेटअप के बाद, देन दिस इज योर ट्रेड। आपको इसी ट्रेड इसी स्टॉक में एंटर करना है और इसी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी अपने लिए इंट्राडे में देखनी है। इसका मतलब है कि जो मूविंग एवरेजेस हैं अगर क्लियर कट एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट मींस बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले इन दो फेजेस को मैं आपको समझा देता हूँ फिर मैं आपको थर्ड फेज पे जाऊंगा। दैट मींस अगर रिलायंस एक बुल सेटअप में था, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर रिलायंस एक बुल सेटअप में था इस फॉर्मेशन पे, इस जगह पे टिल हेयर, ये जहां पे सारे मूविंग एवरेजेस बुलिश थे, सारे मूविंग एवरेज में अच्छी खासी मोमेंटम थी, आर्ली चार्ट पे भी अच्छी खासी मोमेंटम थी, दैट मींस ये जो आपका ट्रेड था आपको इस स्टॉक में पर्टिकुलरली यहाँ पे ट्रेड करना था और तब तक ट्रेड करना था जब तक ये पूरा सेटअप आपके लिए, मतलब जब तक ये पूरा सेटअप आपके लिए वर्किंग रहता। नाउ आपके लिए आपको वर्क कब नहीं करना है दोस्तों, जब आपका आर्ली चार्ट यहाँ पे नेगेटिविटी में आ जाएगा या आपके जो आर्ली चार्ट के जो सेटअप है मूविंग एवरेज का सेटअप, वो आपका यहाँ पे जो 500 डेज मूविंग एवरेज है, 500 का आर्ली मूविंग एवरेज है, उसके नीचे अगर ये ट्रेड करने लग जाते हैं प्राइसेस एंड आपके बैंड, देन आपको अवॉइड करना है रिलायंस को यहाँ पे बुल साइड के लिए ट्रेड करने के लिए। आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी दोस्तों, आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब रिलायंस अगेन अपना 1 आवर के चार्ट पे पॉजिटिव सेटअप में टर्न हो जाएगा। और पॉजिटिव सेटअप दोस्तों में कहाँ मिला, अगेन आफ्टर सो मेनी वीक्स हमें पॉजिटिव सेटअप मिला इस जगह पे। इसका मतलब है इंट्राडे ट्रेड में हमारे लिए कोई भी जरूरी नहीं कि हम लोस को कैच करें, इंट्राडे में हमारे लिए जरूरी है कि हम कॉन्फर्मेशन पे सेटअप करें। इसीलिए जब भी मैं अपने स्विंग ट्रेड्स लक्ष्य बैच की बात करता हूँ, जब भी मैं अपने स्विंग ट्रेड्स कहता हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेड्स का मेन फोटो फोटे, तो वहां पे जब भी मैं बात करता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इंट्राडे का सेटअप है उसके लिए साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट चाहिए इन कंपैरिजन टू स्विंग ट्रेड, राइट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है, याद रखिएगा मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे क्या नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई भी लोस कैच करने की कोशिश नहीं करना है कि हमारे पास लोस हो तो हम कैच करें। इंट्राडे में आपको कन्फर्मेशंस का वेट करना है, इसका मतलब है इस पीरियड को आपको अवॉइड करना है जब भी आपके 1 आवर के सेटअप में, 1 आवर के सेटअप में यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस हो और आपके मूविंग एवरेजेस के नीचे 500 के मूविंग एवरेज के नीचे ही आपका 500 का मूविंग एवरेज हो, राइट। आपको सेटअप कब लेना है, आपको सेटअप पे तभी एंटर करना है जब आपके ये प्राइसेस और आपके मूविंग एवरेजेस 500 के ऊपर बहुत अच्छे से ट्रेड करने लग जाए, राइट। सो डेली में पॉजिटिव, आर्ली में पॉजिटिव, दैट मींस दिस कुड बी योर स्टॉक फॉर द इंट्राडे। नाउ गाइस अगेन अब इसी के साथ साथ अगर आपका एक 15 मिनट्स का सेटअप, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका 15 मिनट्स का सेटअप। इस 15 मिनट्स के सेटअप में आपके लिए जो ये मोमेंट है, ये मोमेंटम आपके लिए प्राइजेस में, ध्यान रखिएगा प्राइजेस की बात कर रहा हूँ, ये जो प्राइजेस हैं, ये प्राइजेस आपके जो 100 जो आप रेड वाला देख रहे हैं मूविंग एवरेज, इसके नीचे प्राइजेस सस्टेन नहीं कर रहे हैं और इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। दैट मीन्स
15 मिनट्स में भी आपका स्टॉक एक बहुत अच्छे मोमेंटम में है, और आपको इस सिलेक्शन को इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो आपके 15 जो आपके 100 वाला मूविंग एवरेज, जो आप रेड वाला मूविंग एवरेज देख रहे हैं, ये रेड वाले मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं और वहां पे आपके प्राइसेस उसके ऊपर बराबर से ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब है जब भी आपको कोई ऐसा सेटअप दिखे जहां पे डेली चार्ट पे आपको मूविंग एवरेजेस पॉजिटिव हो, डेली चार्ट पे आपको मोमेंटम दिख रहा हो, आर्ली चार्ट पे आपको पॉजिटिविटी आ चुकी हो, अगर कोई करेक्शन आया उसके बाद या कोई रेंज बाउंड आया उसके बाद, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा आर्ली चार्ट पे भी मूविंग एवरेज ने आपको जम दिया, और उसके बाद 15 मिनट्स चार्ट पे आपका ये जो मोमेंटम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेड वाले के ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, दैट मींस दिस इज गोइंग टू बी योर स्टॉक फॉर द इंट्राडे जहां पे आप वर्क करने वाले हैं। राइट नाउ 5 मिनट्स के चार्ट सेटअप पे आपको क्या करना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सेटअप है जो मैं आपको वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5 मिनट्स का चार्ट मैं एक बार ले लेता हूँ यहाँ पे, सो दिस इज 5 मिनट्स चार्ट गाइज। सो 5 मिनट्स के चार्ट पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट हो जाता है फ्रॉम दी ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव, 5 मिनट्स के चार्ट पे याद रखिएगा आपको ये स्टॉक को लीव कब करना है, कब आपको इस स्टॉक से किनारे साइड में हटना है, वो सबसे पहले आपको सेटअप मालूम चलेगा 5 मिनट्स के चार्ट पे। तो दैट मीन्स जो हमारी एंट्री है वो एंट्री तो आपके लिए तब मालूम चलेगी जब कंफर्मेशन वर आर के चार्ट पे आ जाएगा, यहाँ पे जो हमने 1 आवर का चार्ट देखा था, लेकिन आपके लिए जो एग्जिट सेटअप्स बनेंगे, जो आपके लिए एग्जिट सेटअप्स बनेंगे वो आपके 5 मिनट्स के चार्ट पे बनेंगे जब सारे के सारे मूविंग एवरेजेस, जो ये ब्लू वाला मूविंग एवरेज है, जो 500 वाला मूविंग एवरेज है, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा। दैट मींस उसके बाद से आपको रिलायंस में इंट्राडे की बाइंग अपॉर्चुनिटी तो एटलीस्ट नहीं ढूंढनी है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम में ऑन डेली बेसिस। इसका मतलब ये है कि हम वी आर विद द ट्रेंड, और वो ट्रेंड में हम कब तक वहां पे रहे दोस्तों, जब तक ये ट्रेंड शॉर्टेस्ट टाइम में पॉजिटिव रहा। दैट मींस कि आपका डेली पे जो पॉजिटिविटी हमें मूविंग एवरेज पे दिखी, उसके बाद आपने जो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर के चार्ट में मूविंग एवरेज जैसे ही कंफर्म होते हैं, 1 आवर के चार्ट पे जैसी पॉजिटिविटी आती है, वहां पे आपने ट्रेड्स पे एंटर लेना शुरू करना है, वहां पे आपको ट्रेड्स को सेटअप देखना शुरू करना है, सेटअप देखना शुरू करना है, एंड देन उसके बाद आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे जो एंट्री और एग्जिट्स लेने हैं वो 15 मिनट्स और 5 मिनट्स के चार्ट के कॉम्बिनेशन पे लेने हैं, और यही चीज आपको यहाँ पे हेल्प करने वाली है जो मैंने आपको बताया है। 15 मिनट्स के चार्ट पे क्या, जो भी आपके ट्रेड सेटअप 100 डेज के एवरेज के ऊपर चल रहे हो वो आपके मूविंग एवरेज के लिए, वो आपके लिए होंगे परफेक्ट एग्जांपल ऑन द बाय साइड, और ये जो आपका जब भी आपका 500 डेज के नीचे 5 मिनट्स के चार्ट पे 500 मूविंग एवरेज के नीचे 5 मिनट्स के चार्ट पे जब प्राइस ट्रेड करने लग जाएंगे और मूविंग एवरेज ट्रेड करने लग जाएंगे, देन यू डू नॉट हैव टू बाय, यहां पे आपको नहीं बाय करना है, क्या आपको अपने लिए कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं यहाँ पे फाइंड करनी है। No buying opportunity anymore till the time स्टॉक मार्केट में ये हमारे लिए सेटअप वापस से पॉजिटिव नहीं हो जाता। राइट आपको ये चीज ध्यान रखना है, इस चीज पे बहुत मैटर करता है कि आप अपने इंट्राडे ट्रेड्स को कैसे चलाने वाले हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट थिंग जो कि आपको करनी है। लेट्स गो ऑन सम अदर चार्ट और वहां पे हम देखने की कोशिश करते हैं, इसको वापस से हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक सेटअप और हम कोई लेते हैं जो कि शायद नेगेटिव हो या कुछ और फॉर्मेट में हो जहां पे आपको ये चीज और अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी स्टॉक जो कि अभी नेगेटिव टेरिटरी में, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ आइडिया। लेट्स सी अगर आइडिया आपका एक स्टॉक है जो हो सकता है आपके अभी नेगेटिव टेरिटरी में हो। ग्रेट राइट, सो लुक एट दिस सेटअप, दिस इज अ ब्यूटीफुल सेटअप जो कि आपके लिए वर्क करने वाला है, और ब्यूटीफुल सेटअप में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था कि आपको यू हैव टू बी विद द ट्रेंड, और ट्रेंड की जब मैं बात करता हूँ तो आपको अवॉइड करना है ट्रेंड के सेटअप जब कोई सेटअप हो, जैसे आपको ये मूविंग एवरेजेस दिख रहे हैं, इट इज वेरी लैक क्लस्टर मूविंग एवरेजेस का जो एक क्लस्टर यहाँ पे बन रहा है जहां पे ट्रेंड ना ही डाउनवर्ड साइड है ना ही अपवर्ड साइड है। मूविंग एवरेज क्या बता रहे हैं, इट्स अ क्लियर कट ट्रेंड ऑन दी साइडवेज। इसका मतलब ये जो साइडवेज के ट्रेंड है ये आपको अवॉइड करने हैं। इसका मतलब है फर्स्ट सेटअप
पे ही आपके लिए ये स्टॉक नल एंड वॉइड हो गया, आपको इस स्टॉक को अप्लाई नहीं करना है। लेट मी सी सम अदर सेटअप, यहाँ से हम लोग जाते हैं इसमें और यहाँ से आपके कोई और सेटअप चेक करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी अगर आपको कोई और सेटअप दिखता है। चोला की बात करते हैं क्योंकि चोला लास्ट सेशन में 8% अप गया था। नाउ लुक एट दिस सेटअप, दिस इज अ ब्यूटीफुल सेटअप गाइस। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे मूविंग एवरेजेस आर ट्रेडिंग अबव एवरी मूविंग एवरेज विद क्लियर कट यू नो डिफरेंस, आपको वो साफ साफ दिख रहा है कि काफी डिफरेंस है, तो काफी मोमेंटम यहाँ पे हमें दिख रहा था। इसका मतलब है इसमें हमारे लिए परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है ऑन एवरी डिप, ये तो आपके लिए कंफर्म हो गया। तो इसका मतलब है ये आपका एक ट्रेंडिंग स्टॉक है जो आपको अपने माइंड में रखना है, और ट्रेंडिंग स्टॉक में ये आपका सिलेक्शन हो गया बाय ऑन डिप्स का, फर्स्ट थिंग। नाउ अगर हम अर्ली चार्ट देखेंगे देन अगेन अर्ली चार्ट इज अ वेरी गुड सेटअप। अभी मैंने आपसे क्या बताया था, अर्ली चार्ट में जब भी आपका स्टॉक ट्रेड करने लग जाए, जब भी आपके मूविंग एवरेजेस ट्रेड करने लग जाए ऑन एवरी ऑन ईच एंड एवरी मूविंग एवरेज, दैट मींस येलो व्हाइट रेड ग्रीन एंड ब्लू ऐसे ही सीक्वेंस में आए जहां पे 20, 20, 50, 100, 200 and 500 के मूविंग एवरेजेस आपको ब्यूटीफुली वर्क करते हुए दिख रहे हैं एक के ऊपर एक, दैट मींस ये सेटअप पे आपको तब एंटर जाना है जब ये सेटअप पे पॉजिटिविटी यहाँ पे आ जाए। इसका मतलब बाय ऑन डिप्स आपको यहाँ से शुरू करनी है, और कैसे करनी है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ हम सिर्फ सेटअप की बात कर रहे हैं। सो दैट मींस कि अगर हमने जो हमने अर्ली का चार्ट है वो देखा तो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कब मिली, कब हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढी, 11th मार्च से लेके जब तक अपॉर्चुनिटी, कब तक हमें मिली है अपॉर्चुनिटी, ऑलमोस्ट आपका जब तक ये पॉजिटिविटी रहा आपके लिए ऑलमोस्ट 1st of April, दैट मींस कि गाइस 11th of March से 1st of April तक आपके पास एक पॉजिटिव सिनेरियो था जहां पे आप इसको ले सकते थे, राइट। अभी मैं इसको एक सेकंड के लिए मैं इसको टाइम रिमूव कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, सेशन ब्रेक को हटा देता हूँ सो दैट विल क्लियर फॉर यू, राइट। सो गाइज इफ यू विल सी दिस सेटअप अगेन, तो आपके लिए ये सेटअप है, अगेन मैंने आपसे क्या बोला था कि आपके लिए 15 मिनट्स का चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखना शुरू करेंगे तो यही सेम अपॉर्चुनिटी थी जो आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे भी यहाँ पे देखने के लिए मिली, और 15 मिनट्स चार्ट और 1 आवर के चार्ट पे सेम जगह पे जब आपको पॉजिटिव होता दिखा और डेली चार्ट पे इतना पॉजिटिव है, दैट मींस कि चोला मंडलम इज दी स्टॉक फॉर यू, जहां पे आपके लिए बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है, राइट। 5 मिनट्स के चार्ट पे मैंने आपको बताया था यू नीड टू ट्राई योर एग्जिट प्लान्स, और आपको एग्जिट प्लान्स के लिए जो कहां पे मिला, आपको दो जगह पे एग्जिट लेना था, एक तो आपको इस जगह पे एग्जिट के लिए सोचना था जहां पे आपका यू नो ये जो सिनेरियो बन रहा था, इस जगह पे एग्जिट के लिए यहाँ पे आपको फर्दर के लिए बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना था, या आपके लिए जो ये एग्जैक्ट प्लान था यहाँ पे आपको एग्जिट्स के लिए सोचना था, और फिर एंट्री के लिए वापस कब देखना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपके लिए 5 मिनट्स के चार्ट पे एग्जिट एंड 15 और 1 आवर के चार्ट पे आपके लिए एंट्रीज, एंड जो डेली टाइम फ्रेम चार्ट है उस पर आपके लिए क्या है, स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए चोला हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे अवेलेबल था, और चोला में हमारे पास अपॉर्चुनिटी अच्छी थी जब हम चोला में पैसा अर्न कर सकते थे, रिटर्न अर्न कर सकते थे। सो आई होप गाइस अभी तक ये चीज क्लियर होगा। फर्स्ट सेटअप आपको सिर्फ मूविंग एवरेज पे बनाना है, जहां पे डेली आर्ली 15 मिनट्स एंड 5 मिनट सेटअप पे आपको वर्क करना है, अपने जो ये सेटअप्स है इनको आपको फाइंड करना है, और आपको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देखनी है कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो आपको ट्रेंड में मिल रहे हैं इधर ऑन दी अपसाइड और ऑन दी डाउनसाइड, राइट। याद रखिएगा दोस्तों हम लोग रेंज ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, रेंज ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस सेटअप का, और ये सेटअप इसलिए क्योंकि हम एक क्लियर कट ट्रेंड प्ले करना चाहते हैं। जिन लोगों को ट्रेंड नहीं मालूम है क्या होता है, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज द ट्रेंड हियर। सो ट्रेंड इज नथिंग, जस्ट कि आपका 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं दोस्तों, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड जहां पे स्टॉक एक अपसाइड मोमेंटम में होता है, जहां पे स्टॉक यू नो एक हायर हाइज हायर लोज लगा रहा होता है, एक होता है आपके डाउन ट्रेंड जहां पे स्टॉक नीचे जाता है एंड देन आपके लिए यहाँ वहां पे एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, और एक होता है साइड वेज ट्रेंड जहां पे स्टॉक कहीं नहीं जाता है। सो क्लियरली हमारे लिए तीनों सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज बाउंड, लेकिन हमारे लिए जो मेन प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी अपसाइड की इनिशियल फर्स्ट फ्यू ट्रेड्स के लिए, फर्स्ट फ्यू वीक्स के लिए। दैट मींस जब तक आप जो 1 लाख वाली कैटेगरी, अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है, जो मैंने 12,500 और फिर उसके 25,000 और 50,000 और 1 लाख बताया था, तो आपको इसी कैटेगरी में जब तक आप 1 लाख पे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आपके लिए दो सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेटअप आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अप ट्रेंड वाला,
और सेकंड सेटअप आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए साइडवेज वाला, आपको जो डाउन ट्रेंड वाला सेटअप है अभी जो अवॉइड करना है, जब तक आप प्रैक्टिस वाली एज पे, प्रैक्टिस वाली स्टेज पे नहीं पहुंच जाते हैं डाउन ट्रेंड की, दैट मींस वो 1 लाख वाली कैपिटल जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था, वो चार्ट मैं आपको वापस से पोस्ट कर दूंगा, आप इसको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, राइट। सो बेसिकली हमारा अभी फोकस क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, वी आर हेयर टू गो स्टेप बाय स्टेप। तो अभी आपको पॉजिटिव सेटअप्स ढूंढने हैं, पॉजिटिव सेटअप्स में फोकस करना है जो कि एक अप ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड में चल रहे हैं, और उन पॉजिटिव सेटअप्स में आपको अपने लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है, क्योंकि हम अभी सेलिंग पे नहीं जा रहे हैं, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। और वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज हम डेली में कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारा एक अभी जो सेकेंड सेटअप पे है वो हम बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट सेटअप गाइज, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। सो यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है एक चार्ट सेटअप से लेके आपके एक पहले इंडिकेटर यूज करने तक, जहां पे मैंने 4 लेआउट का चार्ट लिया है, एंड इन 4 लेआउट के चार्ट में आई हैव यूज्ड मूविंग एवरेज बैंड, और इस मूविंग एवरेज बैंड में मैंने आपको एक सेटअप समझाने की कोशिश करी है जहां पे डेली चार्ट का पॉजिटिव, आर्ली चार्ट जब भी पॉजिटिव आए तब आपको वहां पे एंटर करना है। देयर इज नो नीड टू बाय ऑन द डिप्स, आपको डिप्स पे बाय नहीं करना है, एग्जैक्ट लो कैच करने की कोशिश नहीं करना है। योर इंट्राडे सेटअप्स कुड बी लिटिल लेट, आपके इंट्राडे सेटअप्स बिल्कुल लेट हो सकते हैं और वो आपको चलेगा, क्योंकि आपको इंट्राडे में वर्क करना है, इसलिए वो सेटअप चलेगा, राइट। डन, यहां तक गाइज आपका पहला जो चैप्टर है वो फिनिश हुआ। ये पहला चैप्टर आपको याद रखना है, इस पे आपको प्रैक्टिस करना शुरू करना है, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपको मेरे से बात कभी भी किसी भी फॉर्म में, चाहे वो आप टेलीफोनिक करना चाहें या आप हमारे मेल बॉक्स में डालना चाहें या आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिखना चाहें, तो बिल्कुल लिख सकते हैं और उस पर हम वर्किंग दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट थिंग यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड सेटअप गाइस, अब सेकंड सेटअप की बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको 3 सेटअप्स की बात करी, इट इज ऑलरेडी 1.5 आवर्स, सो आई डू नॉट नो थर्ड सेटअप प्रोबेबली मैं कवर कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन सेकंड सेटअप आपके लिए बहुत जरूरी है। और सेकंड सेटअप को आपको मैं समझाने से पहले आपको 2 चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपके लिए सेकंड सेटअप पे वर्किंग बहुत अच्छी हो जाए। तो पहला दोस्तों क्या है, पहले चीज जो आपको देखनी है, क्योंकि हम रेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं और रेंज ट्रेडिंग में आपके लिए सबसे पहला समझना जरूरी होता है, दैट इज स्ट्रक्चर्स, राइट। स्ट्रक्चर्स समझना बहुत जरूरी होता है, स्ट्रक्चर्स कहाँ समझना है, कैसे समझना है, लेट यू नो, याद रखिएगा, स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए आपको 2 वर्ड्स याद रखने हैं या 2 सेंटेंसेस याद रखने हैं, दैट इज हायर, लेट मी पुट दिस लाइक दिस वे, लाइक हायर हाइज एंड हायर लोज, ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस जो कि आपको याद रखना है। सेकंड आपका सेंटेंस हो गया लोअर हाइज एंड लोअर लोस, राइट। ये आपको सेटअप याद रखना है, लोअर हाइज एंड लोअर लोस। जब हम कभी भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर 2 टाइप के होते हैं आपके लिए, बेसिकली जो मेन है जिसपे हमें वर्किंग करनी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो जब भी हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे, whenever we will talk about positive structure, that means we are talking about higher highs and higher lows. पहले मैं आपको higher highs, higher lows confirm कर देता हूँ, वो क्या होता है दोस्त, जब भी prices, क्योंकि stock market is the place where everyone gets the opportunity, everyone gets the opportunity to buy and to exit. Properly आपको read करना आना चाहिए, तब आपको कहीं वो जाके समझ में आएगा। कैसे दोस्तों, जब भी stock market upside momentum देता है, तो upside के लिए पहले वो ऊपर जाता है, फिर थोड़ा करेक्ट करता है, दैट मींस ये उसने एक हाई बनाया, ये उसने एक लो बनाया, और उसके बाद वापस जब एक नया हाई बनाता है, तो प्रीवियस हाई को जब क्रॉस करता है, तो उसको हम बोलते हैं हायर हाईज, उसको दोस्तों बोलते हैं हायर हाईज, और उसके बाद जब वापस से करेक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं लोअर लो। ये लोअर लो और हायर हाई का कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि ये जो हाई था, इससे प्रीवियस हाई से ये वाला हाई था, इसलिए इसको हायर हाई बोलते हैं। और ये जो लो था, जब भी ये करेक्शन आया था, उसके बाद जो करेक्शन आया वो प्रीवियस लो से अपसाइड में था, उससे ज्यादा हाई था, इसलिए हम इसको हायर लोज बोलते हैं। तो जब भी आपको ऐसा सेटअप दिखे हायर हाईज हायर लोज वाला, दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रक्चर, और पॉजिटिव स्ट्रक्चर में वी ऑलवेज ट्राई टू बाय, वी नेवर ट्राई टू सेल, याद रखिएगा, दिस इज अगेंस्ट द ट्रेंड। इसीलिए आपके लिए पहला सेटअप के बाद दूसरा सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इफ यू आर फाइंडिंग सम पॉजिटिव सेटअप्स, दैट मींस यू हैव टू हैव दैट पॉजिटिव स्ट्रक्चर,
और वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में ही आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, कहाँ और कैसे वो हम बात करेंगे। लेकिन अभी आपके लिए समझना जरूरी है हायर हाइज और हायर लोज क्या होता है। दोस्तों हायर हाइज हायर लोज मैंने आपको समझा दिया, वेयर यू हैव दिस हाइज एंड लोज इन प्लेस, जहां पे आपका सेकेंड जो हाई लगेगा दैट विल बी हायर फ्रॉम द प्रीवियस हाई, और जो सेकेंड आपका जो जो इसके बाद लो लगेगा दैट विल बी बेटर देन द हायर देन द प्रीवियस लो। बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट द नेगेटिव स्ट्रक्चर, जो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, लोअर हाइज एंड लोअर लोस, इसको एक बार मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, दिस इज नेगेटिव स्ट्रक्चर। सो नेगेटिव स्ट्रक्चर की जब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे सिंपली है ये आपके लिए फ्यूचर ऑप्शंस में ज्यादा वर्क करता है। आप कैश मार्केट में इंट्राडे में बिल्कुल सेल कर सकते हैं, बट अभी हम वन साइडेड फोकस कर रहे हैं। तो अभी हमारा सारा फोकस है, पूरा का पूरा जो आपका हम फोकस कर रहे हैं वो हम फोकस कर रहे हैं आपके अप साइड में। डाउन साइड का जो हम फोकस करेंगे वो 1 लाख की कैपिटल की रीच करने के बाद करेंगे, वेदर इट इज इन द कैश मार्केट फ्यूचर्स ऑप्शंस, उसका बिल्कुल भी इशू मत रखेगा, ताकि क्योंकि इंट्राडे में आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी कभी ना कभी किसी न किसी स्टॉक में हमेशा अवेलेबल रहेगी। सो डू नॉट वरी। उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो लोअर हाइज लोअर लोज की जब बात कर रहे हैं, तो लोअर हाइज लोअर लोज का मतलब क्या है, जब स्टॉक डाउन साइड में आता है गाइज, तो वो हमेशा एक लो को टच करने के बाद बाउंस बैक करता है और फिर एक नया लो बनाता है, फिर एक बाउंस बैक करता है, फिर एक नया लो बनाता है। तो इसका मतलब क्या है, जब स्टॉक इस फेज में होता है जहां पे वो नए हाइज नहीं क्रिएट कर रहा है, नए ये जो हाइज आप देख रहे हैं, इट इज नॉट क्रिएटिंग न्यू हाइज, इट इज क्रिएटिंग लोअर हाइज कंपैरिजन टू प्रीवियस हाई, और ये लोअर हाइज जब ये सीरीज बनाता है तो इनको हम लोअर हाइज बोलते हैं, और जब हर बार एक स्टॉक नया लोज बनाता है तो इनको हम लोअर लोज बोलते हैं। तो इसीलिए जब भी लोअर हाइज लोअर लोज की फॉर्मेशन में मिलेगा तो उसको हम निगेटिव स्ट्रक्चर बोलेंगे, एंड निगेटिव स्ट्रक्चर बहुत पावरफुल होते हैं, इट इज फार मोर पावरफुल देन पॉजिटिव स्ट्रक्चर, दिस आई मस्ट एडमिट, आपको भी ध्यान रखना है। बट फॉर अस अभी हमारे लिए कैपिटल सेफ्टी बहुत जरूरी है इन दिस 15 वीक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, 15 वीक्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसीलिए आपको बहुत जरूरी है पे समझना कि अभी आपके लिए फोकस सिर्फ हायर हाइज हायर लोज वाले सेटअप पे होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोअर हाइज लोअर लोज वाले सेटअप पे भी जाते रहेंगे, राइट। सो आई होप आई एम क्लियर, हायर हाइज एंड हायर लोज क्या हुआ, ये आपके लिए हो गया पॉजिटिव स्ट्रक्चर एंड द नेगेटिव स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्रिएट करने वाले हैं अपने सेटअप्स में। तो गाइज ये आपके लिए स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं यहाँ पे जो समझा रहा था, इसका एक मैं इंपॉर्टेंट नोट या इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे पीपीटी मैं प्रिपेयर करके आपको आपके मेल बॉक्स में या आपके कमेंट बॉक्स में या आपके क्वेश्चंस पे पोस्ट कर दूंगा, काइंडली चेक दैट अगेन, इसको एक बार फिर से चेक करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि स्ट्रक्चर्स क्या हैं अगर आप मार्केट में नए हैं, क्योंकि आपने कभी भी मार्केट में सुना होगा, कभी भी आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो गया या ट्रेंड पॉजिटिव हो गया या मोमेंटम काफी अच्छा है। तो याद रखिएगा इन सारी चीजों का सिर्फ एक ही बात है कि आपको ये दोनों चीजें चेक करनी है, स्ट्रक्चर और मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन से, और स्ट्रक्चर और मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन पे आपको एक रेंज ढूंढनी है, और उस रेंज को हम ट्रेड करेंगे, और उस ट्रेडिंग में हम क्या करेंगे दोस्तों, इंट्राडे प्रॉफिट लेने की बात करेंगे, राइट। हमारे लिए पहला सेटअप तैयार हो गया, अब चलते हैं उसको समझते हैं। याद रखिएगा जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं डेली वाले मतलब इंट्राडे टाइम फ्रेम में, तो हमारे लिए जो स्ट्रक्चर है वो आपके डेली चार्ट पे, देयर वी डू नॉट हैव टू वर्क ऑन द स्ट्रक्चर्स, राइट, डू नॉट वरी अबाउट ऑन द डेली चार्ट्स, आपको डेली चार्ट्स के स्ट्रक्चर पे वर्क नहीं करना है। डेली चार्ट का स्ट्रक्चर कुछ भी चल रहा हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चल रहा था तो वो मूविंग एवरेज की वजह से हमारे पास ऑलरेडी नहीं था, जब ये पॉजिटिव चलना शुरू हुआ गाइस तो पॉजिटिव में हमें स्ट्रक्चर का कोई वो नहीं है, इसलिए स्ट्रक्चर आपको डेली चार्ट्स पे नहीं देखने हैं। स्ट्रक्चर का बेसिकली आपको कहाँ पे रखना है, स्ट्रक्चर बेसिकली आपको देखने हैं, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, स्ट्रक्चर्स आपको देखने हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके, स्ट्रक्चर्स आपको देखने हैं 1 आवर चार्ट पे, 15 मिनट्स चार्ट पे एंड 5 मिनट्स चार्ट पे, राइट, ये 3 चार्ट्स पे आपको स्ट्रक्चर्स देखने हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स पे आपको वर्किंग करनी है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप्स लेके आएंगे, और ये सेटअप्स आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज देने वाले हैं जो हम आगे जिसकी बात करेंगे आगे नेक्स्ट 2 आवर्स में। लेकिन अभी के लिए आपको ये देखना है कि आपको डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर नहीं देखना है, व्हेन यू आर इनटू इंट्राडे ट्रेडिंग आपको 1 आवर के सेटअप पे देखना है, और आपको इसको 15 मिनट्स और 5 मिनट्स के सेटअप पे देखना है, राइट। अभी इसको हम देख लेते हैं कि 1 आवर के सेटअप पे क्या है दोस्तों, 1 आवर के सेटअप पे
एक बार के लिए मैं सारे इंडिकेटर्स रिमूव कर देता हूँ सो दैट यू कैन चेक दिस स्ट्रक्चर क्लियरली। अब यहाँ पे देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि आपको सेटअप्स कैसे याद रखने हैं। आपको वो ही सेटअप से वो वर्क करना है जब आपका कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। याद रखिएगा, पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स पे ही वर्क करना है इन बुलिश मोमेंटम या बुलिश ट्रेंड। मतलब आपका बुलिश ट्रेंड एक साइड हो गया और फिर उसके बाद आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऑन दी डेली चार्ट जो आप ये हायर हाइज हायर लोस देख रहे हैं, ये आपके लिए यहाँ पे आपने देखा होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले कि इफ यू विल चेक दिस, तो आपके लिए क्लियर कट यहाँ पे क्या आया दोस्तों, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक राइट, दिस इज दी, सो दिस वाज दी अपसाइड, इट केम डाउन लिटिल डाउन एंड देन इट स्टार्टेड जर्नी अपसाइड, देन केम डाउन, स्टार्टेड जर्नी अपसाइड, देन केम डाउन, बट दिस टाइम इट फेल टू क्रिएट द न्यू हाई एंड देन केम डाउन व्हिच वाज दी लोएस्ट, व्हिच वाज द लो वाज दी लोअर देन दिस द प्रीवियस लो, राइट। इसका मतलब क्या है कि आपको सेटअप्स पे कब वर्क करना है, जब तक आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है और पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ आपको आपकी जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज है इन्हीं पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स में, इन्हीं एरियाज में मिलेगी। जब भी आपको ये एरियाज पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स वाले दिखेंगे किसी भी चार्ट सेटअप में, याद रखिएगा अगर आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर नहीं है और आपका लैक क्लस्टर स्ट्रक्चर है तो उन स्ट्रक्चर्स को अवॉइड करिएगा, उन स्ट्रक्चर्स पे ट्रेड मत करिएगा। आपको ट्रेड क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे, राइट। ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर आपको क्या देगा दोस्तों, ये आपको देगा कि जिस दिन भी आप ट्रेड में आ रहे होंगे उसके नेक्स्ट फ्यू डेज तक आपको हमेशा एक पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग मिलेगी और उसी बाइंग को हम लीवरेज करेंगे, उसी बाइंग की हम फायदा उठाएंगे और उस बाइंग को हम क्या करेंगे, कैश इन करेंगे अपने प्रॉफिट्स के लिए। जो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि कंसिस्टेंटली मनी अगर हम अर्न नहीं करवा पाए या कंसिस्टेंटली मनी आपने अर्न नहीं करा तो पॉसिबली आपके लिए वो हो जाएगा कि प्रॉब्लम एरिया आपने अगर इस सेटअप से थोड़ा सा भी अलग हटे, राइट। सो वन आर के चार्ट पे पॉजिटिव स्ट्रक्चर में देखा दोस्तों, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर आपके लिए सामने सामने दिख रहा है। इसका मतलब है रिलायंस में अगर डेली पे सब कुछ ठीक है, डेली पे आपका सारे ट्रेंड ठीक है, आपको मूविंग एवरेज शो कर रहे हैं, तो आपको वन आर के चार्ट पे सिर्फ पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखने हैं। चार्ट वन आर के चार्ट पे मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि आपको स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स पे ही देखना है और आपको तब ही ट्रेड लेना है ऑन द बाय साइड जब भी आपको किसी पॉजिटिव स्ट्रक्चर में दिखे। बट देयर इज अ कैच। आपको कैच क्या है दोस्तों, इसमें आपको क्या समझने की जरूरत है, याद रखिएगा कि हमारी ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है वो ये है कि आपको इस पॉजिटिव स्ट्रक्चर में जब भी ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं तो इस पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स में आपको ट्रेड बाय साइड पे तभी लेना है, तभी आपको लेना है जब आपका उस पॉजिटिव स्ट्रक्चर में कोई करेक्टिव वेव होगी तो ही आपको बाय साइड पे लेना है। अदरवाइज आपको उस पे कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना है। व्हाट आई मीन बाय दैट, ध्यान रखिएगा दोस्तों अभी तक हमसे सबसे बड़ी गलती क्या हो रही थी इंट्राडे में, इंट्राडे की भी अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी हमसे मिस्टेक ये हो रही थी कि जब भी हम ट्रेड कोई भी लेते थे, सेटअप्स लेते थे, वो इंट्राडे सेटअप पे हम बात करते थे इंपल्स वेव में, राइट। इंपल्स वेव जब भी आती थी उन इंपल्स वेव में हम बाय करते थे, इंपल्स वेव मतलब अपसाइड की वेव, और ये जो करेक्टिव वेव आती थी इस पे हम कुछ भी काम नहीं करते थे और मैक्सिमम इंट्राडे लोगों के जो लॉसेज होते हैं वो इस फेज में फंस के होते हैं या इस फेज की वजह से होते हैं। सो पॉइंट इज, If you want to earn consistently, ये दो setups और ये दो setup का combination आपको याद रखना है daily chart पे, I'm really sorry guys, daily chart पे आपको देखना है कि आपका जो moving average setup वो positive हो, काफी momentum में हो, 200 days के ऊपर सारे moving average चल रहे हैं, very much comfortable, और उसके बाद आपको जो second setup पे work करना है वो second setup ये है कि early chart पे आपको positive structure देखना है, मूविंग एवरेज तो जो देखना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखना है और उस पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आपके लिए जब भी कोई डिप मिले उस पर आपको बाय करना है। याद रखिएगा जब भी कोई डिप मिले उस पर बाय करना है, ये आपको पहला सेटअप याद रखना है और ये पहले सेटअप पे आपको प्रैक्टिस करनी है। याद रखिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे सेटअप के आपको इंपॉर्टेंस समझाता जाऊंगा, राइट। सो गाइज अभी आपके लिए हो रहा है 8:42, नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपको और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई थिंक वी आर नॉट गोइंग टू कवर द थर्ड स्ट्रेटजी राइट नाउ, वी आर गोइंग टू ओनली कवर टू स्ट्रेटजीज और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगा आपका, ताकि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप वहां पे पूछ सकते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो वन आर के स्टार्ट में मैंने सेटअप देख लिया,
नाउ 15 मिनट्स के चार्ट्स पे जब मैं सेटअप्स की बात करता हूँ, 15 मिनट्स के चार्ट्स पे जब पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ, तो 15 मिनट्स के चार्ट्स पे पॉजिटिव स्ट्रक्चर आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डेली चार्ट का, या सॉरी आर्ली चार्ट का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। अब 15 मिनट्स का चार्ट का क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेगा, इफ यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 15 मिनट्स में आप बात कर रहे हैं, तो 15 मिनट्स में और आर्ली चार्ट में क्या डिफरेंस है, एक बार मैं आपको यहाँ पे सेटअप पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ 15 मिनट्स और आर्ली चार्ट सेटअप का। लेट्स सी, दिस इज आर्ली चार्ट सेटअप। एक सेकंड के लिए आर्ली चार्ट सेटअप मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, एंड दिस वॉज द एरिया जो कि हमारे लिए बुलिश सेटअप के लिए लेके आया था। इफ यू चेक, अभी हमने बुलिश एरिया देखा था, ये एरिया था जब हमने आर्ली सेटअप के पॉजिटिव स्ट्रक्चर को देखा था। एंड ऑन द सेम हैंड यहाँ पे एक और यहाँ पे एरिया है जो कि 15 मिनट्स में एटलीस्ट ये फेज जो है आपको इस पूरे फेज का ये जो फेज है पॉजिटिव स्ट्रक्चर में दिख रहा है। दैट मीन्स गाइज, आपके लिए इस स्ट्रक्चर में भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कब होगा, जब आर्ली चार्ट आपका पॉजिटिव होगा, इम्पल्स वेव होगी, और उस इम्पल्स वेव में जो आर्ली चार्ट की इम्पल्स वेव होगी, याद रखिएगा, जो आर्ली चार्ट की इम्पल्स वेव होगी, जो अपसाइड जा रही होगी, उस इम्पल्स वेव में भी जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा, उस स्ट्रक्चर के करेक्शन पे वी आर गोइंग टू बाय आर स्टॉक्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटअप गाइस कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगा, बिलीव करिए, ये सेटअप आपके लिए बहुत बाइंग अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी एक प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी लेके हर बार मैक्सिमम ट्रेड्स में आ सकता है, लेकिन आपको इसको पहले अच्छे से समझना होगा और अप्लाई करना होगा। याद रखिए, मैंने फिर क्या बोला कि आपके लिए सबसे पहला प्री रिक्विजिट है स्ट्रक्चर्स पे कि आर्ली चार्ट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव होना चाहिए, और उस आर्ली चार्ट के स्ट्रक्चर के पॉजिटिव में आपको लोस पे बाय करना ही करना, मतलब आपको जो भी करेक्टिव वेव मिलेगी उस पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका ये इम्पल्स वेव चल रहा होगा ऑफ व्हाट, ऑफ आर्ली चार्ट, उस इम्पल्स वेव में लाइक दिस वन, ये जो इम्पल्स वेव है, इस इम्पल्स वेव में जो आपके लिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन रहा होगा ऑन 15 मिनट्स चार्ट, उस 15 मिनट चार्ट के करेक्शंस को, उस 15 मिनट चार्ट के करेक्शन को आपको कैप्चर करना है और अपने इंट्राडे मूव में कन्वर्ट करना है, राइट? मैं यहाँ पे पूरी हायरार्की आपको मेंशन करने वाला हूँ, पूरी हायरार्की एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, देन वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन आंसर सेशन। जस्ट गिव मी अ सेकंड, फटाफट से इसको मैं कंप्लीट करता हूँ वेरी फास्ट सो दैट वी कैन गो अहेड एंड डू क्वेश्चन आंसर सेशन, राइट? So what we have done, first step था chart layout setup, chart layout setup हमने करा, that too जो हमने आपको बताया, इसके मैं different वो लिख देता हूँ, आपका number A point था इसमें, आपका four layout setup जो आपको करना है, उसका मतलब क्या है गाइस, उसका मतलब है आपको डेली, आर्ली, 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, डेली, आर्ली, 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का आपको सेटअप करना है, और फिर आपको उसके बाद जाना है कहां पे, उसके बाद आपको वर्किंग शुरू करनी है आपके मूविंग एवरेजेस बैंड की। मूविंग एवरेजेस बैंड क्या होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इन केस आपको नहीं समझ में आया गाइस, देन डू नॉट वरी, वी विल गिव यू वन राइट अप जो आप मूविंग एवरेजेस बैंड पे देख सकते हैं, या छोटा सा एक सेटअप मैं आपको दूंगा अपनी पर्सनलाइज वीडियो का, जहां पे आप मूविंग एवरेज को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और वो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। मूविंग एवरेज सेटअप में आपको क्या लेना है दोस्तों, मूविंग एवरेज सेटअप में आपको लेना है जो मैंने आपको बताया है, आपको 25 मूविंग एवरेज सेटअप बैंड लेना है, जहां पे 20, 50, 100, 200 एंड 500 डेज का मूविंग एवरेज सेटअप लेना है। इस सेटअप को आपको सारे लेआउट्स में अप्लाई करना है, सारे चार्ट में अप्लाई करना है, डेली, आर्ली, 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, और उसके बाद आपको उस हायरार्की में कहाँ जाना है, उसके बाद आपको हायरार्की में जाना है जहां पे डेली, आर्ली एंड आपके जो मिनट्स चार्ट हैं, जो कि 15 मिनट्स और वाले हैं, इसमें सारे के सारे मूविंग एवरेजेस पॉजिटिव हो, मूविंग एवरेजेस सेटअप्स
पॉजिटिव हूँ, दिस इज योर चार्ट फॉर दी ट्रेड, ये आपका चार्ट होगा आपके ट्रेड के लिए, मूविंग एवरेज सेटअप सारी जगह पे पॉजिटिव होंगे, जब तक पॉजिटिव होंगे तब तक आप उसमें ट्रेड बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, बाय ऑन आपको सब मतलब यू नो आप उसमें बाइंग की एक ट्रेंडिंग साइड पे रह सकते हैं और वो आपके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। सो टिल नाउ अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने ट्रेंड समझ लिया विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेजेस, हमने ट्रेंड समझ लिया है और उसके बाद फिर हमने जो यू नो यहाँ पे हमने जो दूसरा सेटअप समझा था वो हमने समझा था स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एंड स्ट्रक्चर मैंने आपको बोला था आपको कहाँ से शुरू करना है, 6 पॉइंट स्ट्रक्चर यू हैव टू स्टार्ट विद द अर्ली चार्ट, स्ट्रक्चर आपको शुरू करना है अर्ली चार्ट से और अर्ली चार्ट में आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स फाइंड करने हैं, याद रखिएगा पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स फाइंड करने हैं अर्ली चार्ट में, और फिर उसके बाद आपको 7 पॉइंट पे आना है कि उस पॉजिटिव स्ट्रक्चर में भी आपको जो इम्पल्स वेव है जो कि हमेशा मैं बोलता हूँ एक अपसाइड वेव है, आर्ली चार्ट की जो इम्पल्स वेव है उस इम्पल्स वेव को आपको 15 मिनट में ट्रेड करना है, 15 मिनट्स में ट्रेड करना है व्हेनेवर देयर इज अ करेक्टिव वेव ऑफ 15 मिनट्स का करेक्टिव वेव होगी ऑफ 15 मिनट्स स्ट्रक्चर, 15 मिनट्स चार्ट स्ट्रक्चर, राइट। बहुत सिंपल प्रोसेस है गाइस, माइट आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में सुनने में, बट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इसको दोबारा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत इजी है जो मैंने आपको यहाँ पे सेटअप बताया है। मैं एक बार इसको 20K उस पे कर देता हूँ। सो ये स्टेप था जो हमने आपको पहले कुछ स्टेप्स के बारे में बताया, जो आपको पूरा चार्ट लेआउट से आपको पूरा एक मूविंग एवरेज के सेटअप्स तक जाना है, फिर स्ट्रक्चर के सेटअप्स पे जाना है जहां पे अब यू आर क्वालिफाइड इनफ टू फाइंड योर ओन ट्रेड्स। याद रखिएगा अभी हम स्कैनिंग में नहीं गए हैं, अभी हमने स्कैनिंग लर्न नहीं करी है, अभी हमने थोड़ा साइकोलॉजी टर्म्स नहीं देखा है, अभी हमने यहाँ पे वो फैक्टर्स नहीं देखे हैं जो एक्सटर्नल न्यूज के फैक्टर्स हैं, वो हम सारे इंक्लूड करने वाले हैं, सो डू नॉट वरी। लेकिन सबसे पहला जरूरी था कि मैं आपको कुछ होमवर्क दूं, कुछ एक काम दूं जो कि आप आज करके देखेंगे, और वो काम क्या है, पहली बात सारे के सारे आपको एक ही साइडेड के स्ट्रक्चर्स देखने हैं, पॉजिटिव साइड के स्ट्रक्चर्स देखने हैं, डू नॉट गो इन टू नेगेटिव स्ट्रक्चर्स, आप उनको अवॉइड करिएगा, अपने आप को पहले क्लीन रखिए, एक जगह प्रैक्टिस करिए 12,500 से, दैट टू ऑन द पॉजिटिव साइड, और याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया कि इंट्राडे डज नॉट मीन यू हैव टू ट्रेड डेली, इंट्राडे मींस कि रिलायंस का चार्ट जब भी आपका मूविंग एवरेज के टर्म्स में हर जगह पॉजिटिव पे होगा, और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर आपका अर्ली जब पॉजिटिव होगा, और उस अर्ली चार्ट के पॉजिटिव स्ट्रक्चर में 15 मिनट्स का जो चार्ट है वो आपके करेक्ट पॉजिटिव स्ट्रक्चर में होने के बाद जो करेक्टिव वेव आएगी उसमें आपको बाय करना है। ये आपके अर्ली चार्ट का, ये आपके इंट्राडे का पहला सेटअप है जो आपको गाइस करना है। याद रखिएगा अगर ये आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लग रहा है तो वेलकम टू द स्टॉक मार्केट। आपका आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंट्राडे ट्रेड का अगर आपने प्रोफाइलिंग अपनी बनाई हुई है एंड अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो गाइस बिलीव मी इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, देन ओनली यू कैन मेक सम एक्स्ट्रा मनी, जो मैंने आपको बात बताई है, दिस इज जिसके लिए हम यहाँ पे सबके सब गैदर हुए हैं, राइट। सो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस आवर।